ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रणाम. दिस इज दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पुणे विद द कैमरामैन दर्शन खरे ओनली. ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. 9 o'clock का हमारा समय डिसाइडेड था, इट्स शार्प 9 o'clock. ठीक है, सो लेट्स गो. गुड मॉर्निंग नितिन, रोहित, सौरभ, साक्षी, थोड़ा सा वेट करते हैं और कौन कौन आ रहा है. परेश, शिखर, अरविंद, सतीश, योगेश, हर्ष, अनुल, साक्षी, पंकज, पार्थ, तुषार, आयुषी, स्पर्श, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, रौनक, राहुल, धारा, थैंक यू सो मच मोहित बेटा. अगे, आज हम देखने वाले ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. टोटल टाइम मैंने टाइटल में ही लिखा हुआ है, नियरली 2 मैक्सिमम 2.5 घंटा लग सकता है. 2 घंटे में हुआ तो बहुत ही अच्छा, उसके पहले भी होने के चांसेस है बिकॉज टॉपिक काफी छोटा है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेंट्रेट करना, सब जन आ गए हैं आई गेस. गुड मॉर्निंग तुषार, पार्थ, उत्कर्ष, पूजा, रुपेश. ओके, गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग देवेश, कृष्ण, गुड मॉर्निंग उज्जवल, मनीषा, गुड मॉर्निंग रामस्वरूप, गुड मॉर्निंग. चल नाउ प्लीज स्टॉप मैसेजिंग, प्लीज स्टॉप कमेंटिंग. अभी हमको हमारा कंटेंट देखना है और ओडीआई हमको शुरू करना है. आई गेस इट इज शार्प 9 o'clock. ये 9:01 हुआ है, सो वी हैव स्टार्टेड विद ऑलरेडी. ठीक है, चलो. सो वी आर लुकिंग एट टुडे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. काफी छोटा टॉपिक है, फटाफट कंप्लीट करेंगे, आपको समझ में भी काफी अच्छे से आएगा. और इसके लिए हमें काफी पीपीटीज, चार्ट, मेहनत करके रखी है मैंने जिंदगी के अंदर. और आई होप सो इम्पोर्ट आपको कल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने 3 घंटे दिए. नॉर्मली इम्पोर्ट 1.5-2 घंटे के अंदर फिनिश होगा ऐसा मेरे को लगता था. पर लुकिंग एट द सिनारियो, कितना कंटेंट है, बाकी भी कैसे कैसे लेक्चर्स आए इसके ऊपर, इसको देखते हुए, पर अपने को 3 घंटे लग गए इंपोर्ट लेने में. तो ओडीआई के लिए मेरे को ऐसा लगता था कि 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है 2 घंटे लग ही जाएंगे. ठीक है, तो जितना भी समय लगे वी विल स्टार्ट विद दिस. ठीक है, सो टुडे गाइज वी आर गोइंग विद द ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ये इंपोर्ट कहाँ शुरू हो गया है. भगवान, ए भगवान, अरे भगवान. और क्वारंटीन कैसे चल रहा है सबका, मस्त एकदम. हाँ, घर पे बैठे बैठे मजे आ रहे हैं. नहीं, सीए के लाइफ में कहां क्वारंटीन, हम तो पहले से ही क्वारंटीन में थे. अब तो तकलीफ ये है कि घर वाले भी घर पे रहते तो पढ़ाई नहीं कर पाते, है ना. हम तो पहले से ही क्वारंटीन में रहा करते थे, हमको तो आदत है. मतलब ये जो सब लोगों का क्वारंटीन जो है ना, इनका ये जो टॉर्चर है ना क्वारंटीन का, ये तो सीए के स्टूडेंट्स के लिए वार्म अप था. वो नहीं क्या टाइगर श्रॉफ का ये था ना डायलॉग, कि तुम लोगों का ये जो टॉर्चर है मेरे लिए ये वार्म अप है. तो सीए के स्टूडेंट ने ऐसे सबको बोलना चाहिए, आज सब जन स्टेटस डालो, मेरे को भी टैग करना उसके अंदर, कि ये जो तुम्हारा टॉर्चर है ये हमारे लिए वार्म अप है, हम हमेशा क्वारंटीन में ही रहते हैं. चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से बच्चों, ध्यान देना. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, मैं सबको शायद नाम लेके नहीं बोल पाऊंगा, बट गुड मॉर्निंग एवरीवन. स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना. सो टुडे वी आर गोइंग फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल एज वेल एज बाय आर्टिफिशियल पर्सन. अब इसमें रेसिडेंट इंडिविजुअल लिखा हुआ है, बट आर्टिफिशियल पर्सन भी हम लेंगे. रेसिडेंट इंडिविजुअल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा रेसिडेंट इंडिविजुअल का हम फटाफट खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन के लिए जाने वाले हैं. ठीक है, तो चलो आ जाइए. या फिर हो सकता है हम रेसिडेंट इंडिविजुअल को एंड में भी ले, बट ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये टॉपिक है, इसको याद रखना है. ठीक है, अब सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चों को ओडीआई के बारे में आइडिया ही नहीं होता कि ओडीआई है क्या. पहली बात तो सवाल ये होता है कि भाई ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है. पहली मारामारी तो ये है. दूसरी मारामारी ये है कि सर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो अभी अभी सुना, हम पहले से सुनते आ रहे हैं एफडीआई, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर ओडीआई एंड एफडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या फर्क है. तो बेटा पहले तो मैं आपको यह क्लियर करवा दूं कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के बीच में फर्क क्या है. यह फर्क आप जान जाओगे कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है, तो चीजें काफी आसान होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, और मैं इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि इंडिया में ऐसे 2-3 कंपनीज के कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स क्या है. ठीक है, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना. सो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना. लेट्स गो. इंडिया, इंग्लैंड, ब्रिटिश. ठीक है, समझो ब्रिटिशर्स के पास, ये यूनाइटेड किंगडम है. ठीक है, ब्रिटिश मतलब आजूबाजू के भी राष्ट्र. यूनाइटेड किंगडम के पास एक ऑलरेडी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सब कंपनी था, दैट इज जैगवार्स एंड लैंड रोवर, लैंड रोवर्स. ठीक है, सो जैगवार एंड लैंड रोवर ये इसका सब्सिडियरी था, जिसको वो कहते थे
जेएलआर, जैगवार्स एंड लैंड रोवर्स। और इस सब्सिडरी को इंडिया में से टाटा ने एक्वायर कर लिया। समझो, इंडिया से टाटा या कोई भी इंडिविजुअल फॉरेन के किसी भी कंपनी को वोल्यून सब्सिडरी बनाता है या जॉइंट वेंचर वहां पे क्रिएट करता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको कहते हैं ओडीआई, ओवरसीज, सीज के पार, ओवर द सीज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ओवर द सीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो टाटा ने जैगवार, जेएलआर को जब एक्वायर किया था, जैगवार्स एंड लैंड रोवर्स को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जून 2018 का एक्वाइजेशन था, 800 मिलियन डॉलर के आसपास वाला। और तब जैगवार्स एंड लैंड रोवर्स वॉज विद द, ये काफी अच्छा स्टोरी था टाटा का, इफ यू डोंट नो, ये फोर्ड के पास था जहां तक मेरे को पता है। आपको ये थोड़ा सा मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ एक स्टोरी बताना चाहूंगा, वैसे भी एग्जाम अब 2-3 महीने डिले हो चुके हैं, तो आप थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हो। टाटा ने जब टाटा मोटर व्हीकल शुरू किया था, मैं तो रतन टाटा फैन हूं, टोटल रतन, मतलब मेरे को कोई हीरो हीरोइन पसंद ना आए, पर मेरे को रतन टाटा जी बहुत पसंद है, बहुत, ठीक है, पूजनीय आदमी। सो रतन टाटा जी का बेसिक, उन्होंने टाटा मोटर्स जब शुरू किया था, तो टाटा मोटर्स का जब उन्होंने पहला गाड़ी लॉन्च किया था, इंडिका, इंडिका वगैरह एक्सेट्रा, तो टाटा मोटर्स ये लॉस मेकिंग हो रहा था, तो टाटाज ने टाटा मोटर्स निकालने का सोचा, टाटा मोटर्स बेचने का। हालांकि टाटा ऑलरेडी ट्रक मैन्युफैक्चर कर रहा था, ऑटो मैन्युफैक्चर कर रहा था, स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रहा था, तो उन्होंने कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट में हाथ डाला, तो उन्होंने इंडिका वगैरह जैसी गाड़ी निकाली। तो जब इन्होंने ये सेल करने के लिए निकाला, तो इसके लिए बिडिंग करने वाले थे फोर्ड। कौन थे बोले एक बार? फोर्ड। और टाटा मीटिंग करने के लिए, ये सब्सिडरी बेचने के लिए, टाटा मोटर्स का सब्सिडरी बेचने के लिए फोर्ड के पास गए, और टाटा वालों ने फोर्ड वालों को बोला कि हाँ ठीक है, हम ये सब्सिडरी बेचना चाहते हैं। तो जो फोर्ड के सीईओ थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल फोर्ड या चार्ल्स फोर्ड में से कोई एक होगा, जो फोर्ड के सीईओ थे, उन्होंने टाटा जी का ये पूरा फाइनेंशियल देखा, टाटा मोटर्स का, और उनसे पूछा कि जब आपको कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट में एक्सपीरियंस ही नहीं था, तो आप इस सेगमेंट में आए क्यों? अगर हम आपकी टाटा मोटर्स की ये सब्सिडरी अगर खरीद लेंगे, तो हम आपके ऊपर ये एहसान कर रहे हैं। ये फोर्ड ने बोला रतन टाटा को। समझ में आ रहा है? फोर्ड ने किसको बोला? रतन टाटा को। गलत चीज में हाथ डाल दिया ना जिंदगी में। अब रतन टाटा जी का नेचर इतना सलीक है कि वहां कोई रिप्लाई नहीं दिया, पर रतन टाटा जी को बुरा बहुत लग गया। ये रतन टाटा जी को बुरा लगा था, साथ में उनके सेक्रेटरी थे, वो रतन टाटा जी की तरफ देखते रह गए कि ये कुछ रिप्लाई देंगे। रतन टाटा जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने बोला ओके। टाटा मोटर्स उन्होंने फोर्ड को नहीं बेचा, फ्लाइट में वापस आए, पूरे फ्लाइट में वो पूरे तरीके से बहुत साइलेंट थे रतन टाटा जी, किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया। आने के बाद उन्होंने सबसे पहले खुद के सेक्रेटरी से कम्युनिकेट किया कि हम इस टाटा मोटर्स को इंडिया के टॉप कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट में लाएंगे, टॉप कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट में लाएंगे। ये रतन टाटा जी का ड्रीम था कि हम इसको टॉप, क्योंकि फोर्ड ने जो बोला था वो सही नहीं था। और आप देखोगे तो इंडिया में मारुति छोड़ के कोई ऐसा, मारुति सुजुकी छोड़ के कोई ऐसा व्हीकल सेगमेंट नहीं जो इंडियन कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट बोला जा सकता है। तो मारुति, उसमें भी मारुति सुजुकी का जॉइंट वेंचर है, जिस सुजुकी बिलोंगिंग्स फ्रॉम अनदर कंट्री। तो रतन टाटा जी ने बोला कि टाटा कंपनी का खुद का इंडिया में कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट होना ही चाहिए। और फिर उन्होंने रिलीज किया नैनो, 1 लाख रुपए में कार लेके जाओ, 1 लाख रुपए में बुलेट नहीं आती, एक मतलब रॉयल एनफील्ड नहीं आती वो डुक 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 वाली, 1 लाख रुपए में उन्होंने कार लॉन्च की। और जिस वक्त नैनो रिलीज किया ना, रतन टाटा जी के चेहरे की स्माइल आपने देखनी थी, हैज दैट स्माइल ऑफ सेटिस्फेक्शन कि भले ही मैं इससे पैसा नहीं कमाऊंगा, पर लोगों के हाथ में इंडियन ब्रांड का एक कार रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है, पेट्रियोटिज्म बोलते हैं उसको। फिर इंडिका, इंडिका V2, ऐसी तगड़ी तगड़ी कार लॉन्च की। अभी तो आप देख ही रहे हो, इलेक्ट्रिक कॉल मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल सेगमेंट में रिलीज करने वाले सबसे पहले टाटा है। टाटा ने इस कदर टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाया कि पहले 4 टॉप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में अब टाटा आता है, मारुति सुजुकी, ह्युंडई, टोयोटा, टाटा। सो ये सब को पीछे छोड़ के रतन टाटा है। फिर जून 2018 में कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि जैगवार्स एंड लैंड रोवर्स जो फोर्ड के पास पड़ा था, वो लग्जरी कार सेगमेंट है। जैगवार, लैंड रोवर की कार स्टार्ट विद नियरली 60-70 लाख रुपीज। सो लैंड रोवर, मैं तो आपको ब्लेस करूंगा, हैव दिस कार, वैसे भी इंडियन ब्रांड है, बिल्कुल लेना चाहिए। तो जैगवार्स एंड लैंड रोवर्स ये 60-70 लाख से शुरू होता है, रिच कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट था, ये क्रीम व्हीकल कंज्यूमर सेगमेंट था, और ये लॉस मेकिंग होना शुरू हुआ, फोर्ड इसको संभाल नहीं पा रहा था। और इस सिचुएशन में फोर्ड ने इसको बेचने के लिए निकाला, एंड यू वोंट बिलीव, जैगवार्स लैंड रोवर्स को बिड करने के लिए सबसे हाईएस्ट बिडर वॉज रतन टाटा। एंड आफ्टर दैट रतन टाटा ने जैगवार्स लैंड रोवर्स को खरीदा, खुद के सेक्रेटरी को भेजा, डील करवाई, और चार्ल्स फोर्ड को ऐसा जवाब दिया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बोले ऐसा जवाब दिया कि चार्ल्स फोर्ड आके खुद रतन टाटा जी को बोले कि आप जैगवार लैंड रोवर ले रहे हो, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज
एस्टीम. सो ये है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जैगवार्स एंड लैंड रोवर्स आर इंडियन ब्रांड. की व्हीकल कंज्यूमर सेगमेंट में ये सबसे अव्वल माने जाते हैं. ठीक है, मतलब कई बार ऐसा है कि जैगवार, अगर आप जैगवार लैंड रोवर की गाड़ी देखोगे, वो इवोक वगैरह है, डिस्कवरी वगैरह, वो तो ऐसे नियरली 80 डिग्रीज की लैंड के ऊपर स्ट्रेट चढ़ जाती है. ऐसा कोई भी कार है, बहुत ऐसा कोई भी कार नहीं है जो बेसिकली इतने स्टडी लोकेशंस के ऊपर चढ़ सकता है. एनीवेज, तो एक छोटा सा स्टोरी बताया मोटिवेशन पर्पस के लिए, आप भी इसको थोड़ा सा याद रखना. तो ये है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जब इंडिया का कोई भी पर्सन या इंडिया का कोई भी वेंचर या कंपनी बाहर अगर ज्वाइंट वेंचर या वोली ओन सब्सिडरी खरीदते हैं, तो हम उसको ओडीआई कहते हैं, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? और बीएमडब्ल्यू ने, लेट्स टेक एज एग्जांपल ऑफ बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू ने जो जर्मन कंपनी है उसने, ये जर्मनी है, जर्मन कंपनी है, उसने इंडिया में एक सब्सिडरी खोला बीएमडब्ल्यू इंडिया. तो इसे कहते हैं हम एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. दोनों में डिफरेंस है. एफडीआई मतलब बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, ओडीआई मतलब इंडियन कंपनी बाहर इन्वेस्ट करेगी. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. ये चीज को आपने याद रखना, ये चीज को आपने याद रखना. और इसके अंदर दो तीन डेफिनेशंस इन्वॉल्व है, दो तीन डेफिनेशन इन्वॉल्व है. आप जो बाहर ओडीआई का इन्वेस्टमेंट करते हो उसे कहते हैं बच्चों फाइनेंशियल कमिटमेंट. इसे कहते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट. आप जो बाहर इन्वेस्टमेंट करते हो इसे फाइनेंशियल कमिटमेंट कहते हैं. आप शेयर्स लो, आप प्रेफरेंस शेयर्स लो, आप लोन दो उनको, आप उनको गारंटी दो, परफॉर्मेंस गारंटी दो, इसे हम फाइनेंशियल कमिटमेंट कहते हैं. जो भी इन्वेस्टमेंट है इसे फाइनेंशियल कमिटमेंट बोला जाता है. ये जो टाटा है या पर्सन है इसे हम कहते हैं इंडियन एंटिटी या इंडियन पार्टी. इंडियन पार्टी इसको हम क्या कहते हैं, टाटा वगैरह को? इंडियन पार्टी. जो बाहर की कंपनी है इन्हें हम एक तो कहते हैं ज्वाइंट वेंचर या कहते हैं वोली ओन सब्सिडरी. ठीक है, और जो बाहर की कंट्री है जिस जो इस ओडीआई को ले रही है उसे हम कहते हैं होस्ट कंट्री. उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट कंट्री. यही कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो आपको ओडीआई में याद रखना है. कुछ चार पांच ही डेफिनेशन है कि भैया फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब क्या, इंडियन पार्टी मतलब क्या, ज्वाइंट वेंचर वोली ओन सब्सिडरी मतलब क्या, और होस्ट कंट्री मतलब क्या. यूके इज नाउ होस्ट कंट्री, इंग्लैंड इज नाउ होस्ट कंट्री. और हम एफडीआई नहीं देख रहे, मैं तो सिर्फ डिफरेंस बोल रहा था कि ओडीआई एफडीआई का डिफरेंस क्या, इसलिए मैंने एफडीआई दिया. तो हम एफडीआई नहीं देख रहे, तो आपको एफडीआई की कोई भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन याद करने की जरूरत है. मैं इसको लिखने के लिए समय दूंगा 2 मिनट के लिए, सिर्फ वेट करना. अब मैं आपको दिखाता हूं एफडीआई इंडिया में कितने हैं और ओडीआई इंडिया में कितने हैं. दिस इज द एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. बाहर से जो इंडिया में आज तक इन्वेस्टमेंट आया है हम इसको एफडीआई कहते हैं. इन कंपनीज के नाम देख लो, ये सभी कंपनीज एफडीआई में आती है. ऑडी इंडिया, बीएमडब्ल्यू इंडिया, शेवरलेट, मैक्सिमम तो इसमें कार मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट ही है और बैंकिंग सेगमेंट है. सिटी बैंक, कोका कोला इंडिया, क्रिसिल, एमआर इंडिया, एफसीए इंडिया, ऑटोमोबाइल्स, फेरारी इंडिया, हाँ फेरारी का भी है, फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फॉक्सार स्टूडियो जो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग में, फिजुत्सु कंसल्टेंसी, फुलट्रॉन सिक्योरिटीज, जनरल मोटर्स, ग्रिंडले बैंक, हार्वेस्ट गोल्ड इंडिया, हैवियत पैकर्स लैब्स. ठीक है, हैथवे पैकर्स पता है ना, एचपी के लैपटॉप जिनके आते हैं वो है. हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर तो एक ऐसा ब्रांड है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने लाइफ में हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई प्रोडक्ट नहीं यूज किया होगा. मैक्सिमम कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर लेवल में आते हैं, सोप, टूथपेस्ट, एक्सेट्रा. फिर होंडा मोटरसाइकिल्स, होंडा कार्स, एचएसबीसी बैंक, ह्युंडई मोटर्स, आईबीएम इंडिया, इंडिया कावासाकी मोटर्स, इंडिया यामाहा मोटर्स, ये सब फॉरेन ब्रांड है जिन्होंने इंडिया में एफडीआई किया है. केडीडीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एलजी सीएसएन, मारुति, मर्सिडीज, एमजी मोटर इंडिया, एमजी मोटर्स आपने सुना है ना, अभी हेक्टर उसी की गाड़ी आई थी एमजी मोटर्स आई गेस, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, मुलिन ओन, निसान मोटर्स, ओपेल इंडिया, पोर्श इंडिया, सब मैक्सिमम व्हीकल कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट है. सैमसंग इंडिया, सैमसंग आरडी, सैमसंग सब सैमसंग ही आरएनडी. उसके बाद में स्कोडा, स्कोडा के दो है, सोनी, सोनी पिक्चर, स्टार इंडिया, सुजुकी, टोयोटा, ट्रांस यूनियन, वोडाफोन इंडिया, वॉल्ट डिज्नी एंड जेरोक्स. जेरोक्स जो तुम जेरोक्स करवाते हो, तुम्हारी लाइफ में तो ये कंपनी का सबसे बड़ा योगदान है है ना. जेरोक्स जो भी चीज मिले निकालो, जेरोक्स इसकी बुक मिली निकालो जेरोक्स. सो ये सब एफडीआई है बच्चों, ये सब एफडीआई, ये सब फॉरेन कंपनीज जिन्होंने इंडिया में सब्सिडरीज ओपन करके रखी है. नाउ लुक एट द ओडीआई. अब ओडीआई के मैं इतने सारे एग्जांपल नहीं ले सकता, पर मेन दो एग्जांपल देता हूं. पहला तो टाटा, ये सब टाटा के ओडीआईज है. लेकिन कौन से जिनके सामने फॉरेन कंट्री का नाम लिखा है, होस्ट कंट्री का नाम लिखा है, वही एफडीआईज है. ठीक है, आप देख सकते हो इंडोनेशिया में पीटी टाटा मोटर्स इंडोनेशिया, ये सब्सिडरी है. साउथ कोरिया में, सिंगापुर में है, थाईलैंड में है, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका,
थाईलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, मैक्सिको, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जापान, साउथ अमेरिका, इटली, यूके, दाड़ दाड़, ये तो सब बाहर के ही सब्सिडरीज दिख रहे हैं लाइन से, इसमें तो इंडिया में कोई है नहीं। और मैक्सिमम सब्सिडरीज जैगवार्स एंड लैंड रोवर्स के, मैक्सिमम सब्सिडरीज जैगवार लैंड रोवर, ठीक है, क्योंकि एक्वायर ब्रांड कर लिया और सब जगह सब्सिडरीज खोल दिया, क्योंकि पूरे दुनिया में क्रीम कंज्यूमर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट होना चाहिए। टाटा ने जो लॉस मेकिंग फोर्ड का जैगवार लैंड रोवर था उसको 9 मंथ्स के अंदर प्रॉफिट मेकिंग कर दिया। वैसे इंडियंस लोगों की तो आदत ही है, 9 मंथ्स के अंदर हम प्रॉफिट बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, अच्छा सोचो नलायक को, अच्छा सोचो। तो ये चीज को आपने याद रखना, ये सब ODIs है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्तुगीज, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कोई कंट्री, चाइना में भी है, एनीवेज आगे। तो ये सब ODI है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इतना ही क्यों, आई गेस अपने पास एक और ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट वेट, लेट्स सी, वो भी मेरे पास है क्या। हाँ, रिलायंस इंडस, रिलायंस के भी ODI सब्सिडरीज है अपने पास, रिलायंस के सभी ODI सब्सिडरीज मैंने निकाल के रखे थे। अब इनके कंट्रीज नहीं लिखे हैं, पर ये सब्सिडरीज में से आपने देख लेना कि फॉरेन सब्सिडरीज मैक्सिमम कौन से, ये मैक्सिमम फॉरेन सब्सिडरीज है, ठीक है, एफिनिटी नेम्स, उसके बाद में अरोरा अलगी, अरोरा अलगी, ये तो दो तीन है, सेंट्रल पार्क एंटरप्राइज, डेल्टा कॉर्पोरेशन, इथेन क्रिस्टल्स, इथेन 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 में ही 10-12 है, फिर गैपको में ही 10-12 सबसे 5-10 सब्सिडरीज है, गल्फ में सब्सिडरी है, इंडिया विन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सब सब रिलायंस के, रिलायंस एरोस्पेस, एरोस्पेस में भी रिलायंस है, फार्मास्यूटिकल्स में भी रिलायंस है, रिलायंस अपैरल ब्रांड्स में भी है, आईटी पार्क्स में भी रिलायंस है। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को तोड़ना और टाटा को तोड़ना इतना आसान नहीं है। रिलायंस एनर्जी में भी है, रिलायंस ट्रेडिंग एंड कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, देखो सब्सिडरीज है, सब सब ODI है, ओवरसीज, उसके अंदर लिखा भी है यूके, यूएसए, सब सब LLC, जहां LLC लिखा है वो भी फॉरेन सब्सिडरी है, बिकॉज इंडिया में तो हम कंपनी बनाते हैं, यूएसए में LLC बनती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन या INC, LLC या INC, ठीक है। सो ये सब देखो कितने सब्सिडरीज है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। सो दीज आर ऑल ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो रिलायंस ने किए हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। तो वॉट इज अ डिफरेंस बिटवीन ODI एंड वॉट इज अ डिफरेंस बिटवीन FDI? तो इट इज वेरी 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 सिंपल बेटा, ठीक है, ये चीज आपको बड़े अच्छे से समझना जरूरी है कि भैया जो ODI होता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वो होता है हमारे इंडियन कंपनी का बाहर का इन्वेस्टमेंट, और जो FDI होता है वो बाहर के कंपनी का इंडियन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं चाहूंगा ये डायग्राम ड्रॉ करके रखो डिफरेंस समझने के लिए। मैं ट्रांजेक्शन के हिसाब से कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बोलूंगा, पहले डायग्राम ड्रॉ करके रखो, मैं यहां डेफिनेशन के नाम लिखता हूं, फिर हम देखेंगे ट्रांजेक्शन नेचर क्या है। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया तो दाद दे देना। चलो, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच गाइस। तीस दांत कल दे दिए, उज्जवल 2 ही बजे। दांत खत्म हो गए। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, लिख लीजिए फटाफट।
ऑडिटर नालायक, मेरी कॉपी कर रहे हो। चलो डन हो गया सबका बच्चों, लेट्स गो। अब ये तो हो गया ओडीआई। अब मैं आपको इसका ट्रांजेक्शन बेस बताता हूं कि ये कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन का बेस है। ठीक है, ये लिखना हो गया होगा सबका। हाँ है ना, डेफिनेशन आएंगे, पहले मुझे ट्रांजेक्शन बेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है? क्या लगता है आपको, जरा बताइए मुझे कमेंट्स में। करंट अकाउंट लगता है आपको या कैपिटल अकाउंट लगता है, क्या लगता है बताइए फटाफट, बताइए अर्जेंट में, व्हाट इज इट, फास्ट बोलिए। आई गेस लैग है आपके और मेरे बीच में 10-12 सेकंड का। हाँ ऑफ कोर्स बेटा, हर्षित अमेंडमेंट है, अपन ऐसे ही थोड़ी ना पढ़ा रहे, आपको पढ़ा हुआ लग रहा है बेटा, ये बताइए। क्या लगता है करंट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट लग रहा है सबको? किसी ने तो भी पहले ही कट बोल दिया। पंकज नालायक, इन्वेस्टमेंट कब से हो गया बेटा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है? ओके, बहुत बढ़िया, सब जन कैट बोल रहे हैं। जो कट बोल रहे हैं बच्चों, नाम के अंदर जरा देखो ना, ओवरसीज नाम क्या है, ओवरसीज, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नाम है, इन्वेस्टमेंट। एक ही वर्ड हमें ट्रांजेक्शन कैटेगराइज करने के लिए काफी है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करंट अकाउंट है या कैपिटल अकाउंट है? तो इन्वेस्टमेंट इज सिंपली कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन विच इज रेगुलेटेड बाय सेक्शन नंबर 6। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी के अंदर आता था, पर अब 6 सबसेक्शन 3 ये डिलीट हो चुका है, ये डिलीट हुआ है, इसलिए हम इसको करंट का कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मानेंगे 2E प्लस सेक्शन नंबर 6 में, नॉर्मल सेक्शन नंबर 6 में। हालांकि ये पहले 6(3)(g) में आता था, पर अब ये सिर्फ 2E(6) में आएगा। सो बेटा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की नजर से ही देखना जरूरी है, समझ में आया? और अगर ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है तो नॉर्मली नॉर्मली इसके लिए किसका अप्रूवल लगेगा, बोले एक बार, आरबीआई। और मैंने क्लास के अंदर बताया था कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के साथ कैसे टैकल करना है, तो इसको लग सकता है आरबीआई अप्रूवल, आरबीआई अप्रूवल कैन बी, लग सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, तो इतनी सी चीज को नोट करके रखिए फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। बढ़िया, मस्त, एकदम शानदार तूफान। लिख लिया सबने? डन एवरीबॉडी। अब ये हो गया आपका नियरली ओडीआई का ट्रांजेक्शन। ठीक है, कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कौन से टाइप का ट्रांजेक्शन है। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, कि हम जाते हैं ओडीआई के डेफिनेशंस के ऊपर, और मैंने सिंपली 5 डेफिनेशन के लिए एक सिंपल चार्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, इन 5 डेफिनेशन के लिए, और समझना काफी आसान है, हालांकि कुछ इसमें से एरिया आपको थोड़ा बाद में समझ में आएगा, लेकिन 5 डेफिनेशन है। जैसे मैंने बोला था, फाइनेंशियल कमिटमेंट, ज्वाइंट वेंचर, वोल्यून सब्सिडरी, इंडियन पार्टी, होस्ट कंट्री, 5 ही डेफिनेशन है जो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, नहीं किए तो भी चलेगा, आई डोंट नो कि एग्जाम में पूछेंगे नहीं पूछेंगे, पर मैंने देख के रखे हैं डायग्राम फॉर्म में जानबूझ के। ठीक है, सो आ जाइए। सबसे पहला डेफिनेशन है फाइनेंशियल कमिटमेंट। अब फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब क्या, तो अगर मैं JLR हूं, जैगवार लैंड रोवर, अगर मैं JLR हूं, नहीं सॉरी, मैं अगर टाटा हूं, माई मिस्टेक, मैं अगर टाटा हूं, तो मैं बाहर जो पैसा इन्वेस्ट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी है, इन द फॉर्म ऑफ लोन, हो सकता है मैं लोन भी दू, हो सकता है मैं गारंटी भी दू, हो सकता है मैं परफॉर्मेंस गारंटी दू, तो मैं जितनी भी चीजें बाहर मेरे बिहाफ पे लाइबिलिटी उठा के दे रहा हूं, वो सब चीजों को मैं फाइनेंशियल कमिटमेंट कहता हूं। मतलब बाहर के ओडीआई इन्वेस्टमेंट को मैं फाइनेंशियल कमिटमेंट कहता हूं, जिस वजह से इंडियन एंटिटी के ऊपर बर्डन आ सकता है फाइनेंशियली, उसको मैं फाइनेंशियल कमिटमेंट कहता हूं। सो एनी काइंड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन इक्विटी, लोन 100% गारंटी और 50% परफॉर्मेंस गारंटी। यह परफॉर्मेंस गारंटी वर्ड यूज नहीं किया, परफॉर्मेंस यूज किया है, तो याद रखना परफॉर्मेंस गारंटी इश्यूड बाय इंडियन पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन ज्वाइंट वेंचर और वुल्ली ओन सब्सिडरी, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट। कि एक ओडीआई करने के लिए, एक जॉइंट वेंचर और वोल्यू ऑन सब्सिडी क्रिएट करने के लिए आप कितना फाइनेंशियली कमिटेड हो, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इक्विटी लोन 100% गारंटी, 50% परफॉर्मेंस गारंटी इशूड बाय इंडियन पार्टी फॉर जेवी एंड वोल्यून सब्सिडरी। क्लियर है कंसेप्ट? ये पहला। तो एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लो, क्या है इन्वेस्टमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन, सब मेरे साथ बोलना ठीक है, कमेंट में भी आप लिख सकते हो तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है इन्वेस्टमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या क्या? इक्विटी पूरा 100%, उसके बाद में लोन पूरा 100%, 100% गारंटी, 50% परफॉर्मेंस गारंटी। सर 50% ही क्यों परफॉर्मेंस गारंटी? इसके पीछे रीजन आएगा, मैं आपको बताऊंगा, जस्ट वेट। ये किसने किया? इंडियन पार्टी ने। कहां? बाहर के ज्वाइंट वेंचर और वो लोन सब्सिडरी में। ये क्या है? फाइनेंशियल कमिटमेंट। क्लियर है? दूसरे डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, दूसरा है जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर और वोली ओन सब्सिडरी का डेफिनेशन एक जैसा है, सिंपल है, उसके अंदर स्टार्टिंग लाइन सेम है, सिर्फ एंडिंग लाइन डिफर करेगी। फॉरेन एंटिटी फॉर्म्ड एज पर लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द होस्ट कंट्री। जॉइंट वेंचर बाहर फॉर्म होगा, वोली ओन सब्सिडरी बाहर फॉर्म होगा। सो फॉरेन एंटिटी फॉर्म्ड एज पर लॉज एंड रेगुलेशंस ऑफ द होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री के लॉज रेगुलेशन से बना है। इन विच इंडियन पार्टी मेक्स अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन विच इंडियन पार्टी मेक्स अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ जॉइंट वेंचर। और वही अगर फॉरेन एंटिटी फॉर्म्ड एज पर लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ होस्ट कंट्री, ठीक है, इन विच यहां पे जैसा का वैसा कॉपी किया, इंडियन पार्टी होल्ड्स एंटायर कैपिटल, इंडियन पार्टी होल्ड्स एंटायर कैपिटल, तो ये वो लोन सब्सिडरी हो जाएगा। क्लियर? तो इतना जो पोर्शन करली ब्रैकेट किया है, ये पूरा का इतना पोर्शन आपने यहां कॉपी करना है और लिखना है इन विच इंडियन पार्टी होल्ड्स एंटायर कैपिटल। ठीक है? सो फॉरेन एंटिटी फॉर्म्ड एज पर लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द होस्ट कंट्री, ठीक है, इतना याद रखना। सो जॉइंट वेंचर क्या है? फॉरेन एंटिटी फॉर्म्ड एज पर लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द होस्ट कंट्री इन विच, ये भी मैं फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहा हूं, ऐसा नहीं मैं याद करके बैठा। Foreign entity formed as per laws and regulations of the host country in which direct investments are made by Indian party, तो उसे हम क्या कहते हैं? बोले एक बार, joint venture। And foreign entity formed as per laws and regulations of the host country in which entire share capital is held by Indian party, उसे हम कहते हैं wholly owned subsidiary। क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो दो तीन डेफिनेशन हुए, फिर इंडियन पार्टी का डेफिनेशन। इंडियन पार्टी में उन्होंने किस किस को लिया है? कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट विच इज फॉर्म्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये देख के ना मेरे को कुछ याद आ गया, बॉडी फॉर्म्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बॉडी फॉर्म्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पता है आपको कौन है बॉडी फॉर्म्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? हर मॉड्यूल के ऊपर इंस्टीट्यूट का जो लोगो है, वो इंस्टीट्यूट का लोगो है ना, वो कौन है? अबे कबूतर नहीं है नलायक लोगो, वो ईगल है, ईगल। कबूतर होता है क्या इंस्टीट्यूट के लोगो में? नलायक लोग नलायक। सो कंपनी, बॉडी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, आईसीआई इज अ बॉडी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो अगर आईसीआईसीआई बाहर जेवी या डब्ल्यूओएस बनाना चाहे, बना सकता है क्या? यस, बिल्कुल बना सकता है, पर उसके लिए उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। नॉर्मली ऐसा कोई करता नहीं है, पर बना सकता है थियोरेटिकली। क्लियर? पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, ये चारों को हम कहते हैं। अब बॉडी अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सर इसका एग्जाम्पल दो, एलआईसी। एलआईसी आपने क्या सुना? मैंने एलआईसी बोला। सो एलआईसी is formed LIC Act 1955, SBI formed under SBI Act 1955। ये ऐसे entity है जो foreign subsidiary बनाते हैं। SBI के तो है भी, Indonesian subsidiary, Nepal वाली subsidiary, Swiss वाली subsidiary SBI के है भी। clear है? So ये चार, कंपनी, बॉडी अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर वोली ओन सब्सिडरी, प्लस एनी एंटिटी नोटिफाइड बाय आरबीआई। आरबीआई ने कोई एंटिटी नोटिफाई की है, उसी भी हम कहेंगे इंडियन पार्टी। क्लियर? लास्ट होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री इन विच फॉरेन एंटिटी रिसीव्स अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम होस्ट पार्टी। क्लियर है कंसेप्ट? समझ में आ रहा है? होस्ट पार्टी नहीं, फ्रॉम इंडियन पार्टी, माय मिस्टेक, फ्रॉम इंडियन पार्टी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कंट्री इन विच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज रिसीव्ड, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन पार्टी। क्लियर है? सो ये है आपके पांच डेफिनेशन, इनको ऐसे ही याद रखना, ठीक है? मैं चाहूंगा लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। फीनिक्स है, कबूतर है, क्या क्या बोल रहे जिंदगी में देवेश। 50% का आंसर मिलेगा, जस्ट वेट। अनुल नलायक, कबूतर जाजा, पूरा चार्ट दिखाऊंगा तो आप देख नहीं पाओगे बेटा, स्मॉल हो जाएगा, काफी छोटा हो जाएगा, देखो चाहिए तो नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा
धीरे धीरे स्मॉल में लाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। देवेश नींद नहीं आती क्या सुबह सुबह? बेटा सपने कुछ इतने बड़े होने चाहिए जो जाग के देख सको। नींद में तो सभी सपने देखते हैं, तो जागो जिंदगी में, अपने को पास होना है। गौरव लिखने की प्रैक्टिस आप चाहिए तो अलग से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल देख के लिखो क्योंकि फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, कहीं गलती ना हो जाए कोई। मैं परफॉर्मेंस गारंटी 50% क्यों है बताऊंगा, मैंने बताया है, वेट फॉर इट ऑलरेडी। सोनी हाँ, एंड में फुल चार्ट दिखाऊंगा, जस्ट वेट फॉर इट। पंकज बेटा मिसलेनियस टॉपिक का रिवीजन हो चुका है ऑलरेडी, यूट्यूब पे अपलोडेड है। कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो आप? बढ़िया भव्या, नींद बुलाती है पर जाने का नहीं। चलो हो गया सबका, थैंक्स सो मच दिवाकर। कार्तिक नालायक अभी से एक्सपेक्टेड वेटेज पूछ लो, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वेटेज ही चाहिए। सबको करना है बेटा क्लासेस, मुस्कान, हरदीप, टाइमिंग लिखा है हरदीप मैंने, 2.5 घंटे लगेगा आज, बस हो गया फिर। चलो हो गया सबका, थैंक्स सो मच प्रचिता। मॉड्यूल अपडेशन है, नया टॉपिक है कार्तिक, तो काफी अच्छा वेटेज आएगा। ठीक है, चलो सबने लिख लिया, ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, लिखना हो गया बाकी है। चलो डन, ओके बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट करना। अब ये हो गए डेफिनेशंस ऑफ द ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के डेफिनेशन खत्म। नाउ वी आर गोइंग बैक, ठीक है, किसी का रह गया तो पॉज करके पीछे आके लिख लो बेटा, आई एम गोइंग फॉरवर्ड।
नेचर ऑफ ओडीआई ट्रांजेक्शन कैटकट हमारा हो गया। अब हम ओडीआई किस तरीके से करते हैं इस प्रपंच के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। उसके पहले थोड़ा सा नोट्स के अंदर जाते हैं हम, ऐसा ना हो जाए कि नोट्स साइड में रहेगी, ठीक है। आपके पास ओडीआई की जो भी नोट्स है, मॉड्यूल अपडेटिंग में भी मैंने ओडीआई देख रखा है, ठीक है। उसके बाद में मैंने साथ साथ में ये भी देख रखा है कि भाई ओडीआई वगैरह का नेचर किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। अब मैं एक एक चीज यहां पर मार्क कर रहा हूं। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, होल्ड, मॉड्यूल अपडेट, मेरे को एक बार नोट्स चेक करने दो। मॉड्यूल अपडेट की नोट्स नीचे लिंक में दी गई है, उसके अंदर ओडीआई का टॉपिक ऑलरेडी दिया है, आई गेस सबको आइडिया होगा इसका। चल स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। ओके किधर चला गया, कुछ नोट्स मिसमैच है क्या, एक बार देखना जरा, मुझे भी चेक करना पड़ेगा, वन सेकेंड होल्ड। चलो डन, हाँ यही नोट्स है, आ जाइए। सिर्फ टाइटल थोड़ा सा चेंज था इसलिए कंफ्यूजन हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर्स और वोली ओन सब्सिडरीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंपॉर्टेंट एवेन्यूज फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल बिजनेस बाय इंडियन एंटरप्रेन्योर। यहां रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर आपके इसमें लिखा होगा तो इसको काट दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक लौता टाइटल आपने रखना है, ठीक है। मीडियम इकोनॉमिक बिजनेस और कॉर्पोरेशन जॉइंट वेंचर्स आर परसीव्ड एज अ मीडियम of economic and business cooperation between Indian and other countries. In keeping with the spirit of liberalization, liberalization policy मैंने FEMA के history में आपको बताया था बेटा, अगर आपने regular lectures किए होंगे तो, which has become a hallmark of economic policy in general and foreign exchange regulation in particular, the Reserve Bank has progressively relaxed the rules and simplifying the procedures for both current as well as capital account transaction. So ये प्रपंच है, इसमें से exam में कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये बोला है कि ODI क्यों अच्छा है, क्यों बाहर के लोगों के साथ आप कर सकते हो और किस तरीके से आरबीआई ने उसको सपोर्ट किया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब मोड्स ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, अब ओडीआई के इंडिया में बच्चों दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, और ऑटोमेटिक रूट खत्म होने के बाद, ऑटोमेटिक रूट ही लंबा चौड़ा चलता है थोड़ा, और फिर उसके बाद में आता है अप्रूवल रूट। ये दो ओडीआई करने के तरीके होते हैं, तो मैं इन्हीं तरीके के ऊपर जा रहा हूं। सो बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, आ जाइए पीपीटी के अंदर, रेडी लेट्स गो। So, ODI करने के दो तरीके होते हैं, टू टाइप्स ऑफ ODI, ऑटोमेटिक अप्रूवल, पर उसके भी पहले ODI करने के दो कैटेगरीज होते हैं, उसको समझते हैं। पहले तो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इंडिविजुअल भी कर सकता है और टाटा भी कर सकता है, ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट के ऊपर अपन जाएंगे, जस्ट वेट। इंडिविजुअल अगर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है तो इंडिविजुअल नॉर्मली ज्वाइंट वेंचर और वोली ओन सब्सिडरी क्रिएट नहीं कर सकता, सब्सिडी या जेवी क्रिएट करने के लिए आपको कंपनी ही लगेगा। तो इंडिविजुअल ओडीआई किस तरीके से कर सकता है, इंडिविजुअल ओडीआई कर सकता है एक तो बाय परचेसिंग इक्विटी शेयर्स या फिर बाय
परचेसिंग सीसीपीएस, कंपल्सरीली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। अब सवाल है कि एक इंडिविजुअल कितना ओडीआई कर पाएगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, अब यह समझने वाली चीज है बच्चों, बड़े अच्छे से ध्यान देना, मैंने आपको बहुत ऑलरेडी बोला था कि जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, एंड एज ओडीआई इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ओडीआई इज अ कौन सा ट्रांजेक्शन बोला एक बार, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, नाउ इंडिविजुअल वॉन्ट टू डू कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, तो ऑब्वियसली हम स्ट्रेट अवे कहां रेफर करेंगे, एलआरएस। एलआरएस मतलब क्या, बोलो बोलो, एलआरएस, एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसका मतलब एक इंडिविजुअल एक साल में डॉलर 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता है पर ईयर इन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, स्टेट में एलआरएस की ही लिमिट है, यहां तक के नो अप्रूवल वाला सिचुएशन है, यहां तक इंडिविजुअल को कोई अप्रूवल लेने की सिचुएशन है क्या, नहीं, नो अप्रूवल। इसको आप ऐसा बोल लो इंडिविजुअल का ऑटोमेटिक रूट, इंडिविजुअल का ऑटोमेटिक रूट, और दूसरा आता है इंडिविजुअल का अप्रूवल रूट, आप बोल सकते हो अगर इंडिविजुअल को ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोर देन करना है $2.5 लाख, तो इस सिचुएशन में उसको किसका परमिशन लेना पड़ेगा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन। यह इंडिविजुअल के लिए ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रही बात इंडियन पार्टी की, इंडिविजुअल तो हो चुका, रही बात इंडियन पार्टी की, मैंने बोला था कि इंडियन पार्टी में कौन कौन आता है, एक बार सब जन मुझे बताओ इंडियन पार्टी में कौन कौन आता है, सबसे पहले इंडियन पार्टी में कौन आता है, बोलो एक बार, कंपनी, बोलो बोलो सब जन बोलो, कंपनी, एनी एंटिटी और बॉडी फॉर्मड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्या आता है, पार्टनरशिप, और चौथा एलएलपी। So, चार हम इंडियन पार्टी में लेते हैं, या इसके एडिशन में एनी पर्सन नोटिफाइड बाय सीजी, एनी पर्सन नोटिफाइड बाय आरबीआई, नोटिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एडिशनली आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको, हाँ ना, तो ये चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, ये है आपका ओडीआई वाला सिचुएशन, ठीक है। ये आर्टिफिशियल पर्सन, पर मैंने आर्टिफिशियल पर्सन कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है ये नहीं दिया है, फिलहाल मैंने इंडिविजुअल कैसे कर सकता है ये दिया है, आर्टिफिशियल पर्सन का ऑटोमेटिक रूट अप्रूवल रूट सेपरेटली आएगा, फिलहाल आप इसको लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। शानदार, एलआरएस सबको याद है फिर तो, जबरदस्त। कार्तिक 3070 का स्ट्रक्चर कभी नहीं हिलता बेटा, ये फिक्स ही है।
चलो डन। लिख लिया सबने। इंडिविजुअल गारंटी दे सकते हैं बेटा स्पर्श, लेकिन फिर वो ओडीआई के कवरेज में नॉर्मली नहीं आता, क्योंकि वो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्रिएट होता है और वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की ओरिजिनल डेफिनेशन में ही लिया जाएगा। चलो हो गया सबका, लिख लिया सबने। चाहिए तो फोटो भी खींच कर रखिए, एक काम में आएगा। डन एवरीबॉडी। नाउ मैं जा रहा हूं आगे। अब मैं सिर्फ एंटरप्राइज के ऊपर बात करूंगा, इंडिविजुअल की बात खत्म हो गई। अब इंडिविजुअल की कोई बात नहीं होगी, जो बात होगी एंटरप्राइज की होगी, आर्टिफिशियल पर्सन की होगी। सो आ जाइए, अब जो हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जैसे टाटा, तो टाटा जैगुआर और लैंड रोवर के अंदर किस तरीके से ओडीआई क्रिएट कर सकते हैं, जेवी और वोल्यून सब्सिडरी के थ्रू। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप ये क्रिएट करना चाहते हो, ऐसा कोई भी आप सब्सिडरी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको विदाउट अप्रूवल एक रूट ऑटोमेटिकली अलाउड है। अब ये काफी दिक्कत वाली चीज है, मैं अभी तक ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ तरीका डिस्कस कर रहा हूं कैसे इन्वेस्ट करना है। ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट और आगे आएगा, जस्ट वेट फॉर इट। अब किस तरीके से आप ओडीआई कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं टाटा हूं, अब मुझे अगर बाहर ओडीआई करना है, मैं रतन टाटा हूं, इमेजिन रतन टाटा। सो अगर मैं रतन टाटा जी हूं, समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। सो अगर रतन टाटा हूं और मुझे अगर बाहर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं जाऊंगा ऑथोराइज पर्सन के पास, आरबीआई के पास, क्योंकि मेरे पास तो रुपए है, मेरे को चाहिए डॉलर। मैं क्या आरबीआई के पास, मैंने बोला आरबीआई को हाय, आरबीआई बोलता है हाय। मैंने आरबीआई को बोला मेरे को ओडीआई करना है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आरबीआई बोलता कितना, मैं बोला 5। आरबीआई कितना, $5,000। बोला तुच्छ आदमी, भिखारी, $5,000 इन्वेस्टमेंट करूंगा, टाटा हूं मैं, टाटा। तो आरबीआई बोले अच्छा $50,000। बोला सरडाई धाव कुंपना पर्यंत, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, छोटा ही सोचेगा तो जिंदगी के अंदर नलायक। बोला बड़ा सोच, तो बोले $5,00,000। बोला कैसे तुच्छ लोगो। बोला $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है मेरे को बाहर, कितने बिलियन, समझ में आता है बिलियन में तेरे को कितने जीरो है। आरबीआई बोले हाँ पता है वो कितने, 9 जीरो होते हैं। बोले बोला बढ़िया, $500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मेरे को बाहर करना है। बोला आरबीआई बोलता अच्छा, पर इतना पैसा तो हमारे पास भी नहीं है, हमारा टोटल जितना पैसा है वो नियरली $350 बिलियन का हम रिजर्व रखते हैं, तुम $500 बिलियन बाहर भेजना चाहते हो कैसे। मैं 5 बिलियन डॉलर बाहर भेजना चाहते हो कैसे होगा, हमारा टोटल $350-400 बिलियन का नहीं, गवर्नमेंट का $350-400 बिलियन का रिजर्व रहता है नॉर्मली, पर मैं उसमें से 5 बिलियन अगर मैं लेके चला जाऊंगा तो बचा हुआ देश के लिए क्या होगा, और रिजर्व भी तो रहना चाहिए। तो आरबीआई बोले सर इतना नहीं हो सकता, $5-5 बिलियन नहीं हो सकता, हमको माफ कीजिए, लेकिन सर एक तरीका है। आरबीआई मुझे बोल रहा है सर एक तरीका है, मैंने बोला कौन सा, तो बोले सर आप टाटा के शेयर बाहर क्यों नहीं इशू कर देते। समझो रतन टाटा जी ने मस्त एक दिमाग लगाया, बोले इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज को हम जाया नहीं करेंगे, रतन टाटा इज वेरी पेट्रियोटिक पर्सन, देश को सेव करने के लिए पहले आगे आते, 1,500 करोड़ का अभी दे दिया कोविड फंड के अंडर डोनेशन, सीएसआर वगैरह सब जमा करके, तो सोचिए पहले देश को संभालने के लिए आता है। तो टाटा जी ने क्या सोचा कि अगर ये इंडिया से $5 बिलियन निकालेंगे तो अपन तो अपने ही कंट्री को लूट रहे, अपन तो अपनी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज लगा रहे हैं। तो रतन टाटा जी ने क्या किया, टाटा का नाम ऑलरेडी बाहर था, तो रतन टाटा जी ने ना बाहर इंग्लैंड में ही जीडीआर इशू किए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, अमेरिका में इशू किए एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। टाटा के जब शेयर्स, एडीआर जीडीआर सबको पता होगा, सीए इंटरमीडिएट पे इसके लिए डेडिकेटेड सेक्शन था, सेक्शन नंबर 41, ठीक है। सो बाहर आपने जब एडीआर जीडीआर इशू किया, एडीआर जीडीआर का डिस्कशन अभी नहीं कर पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी, उसके डिस्कशन में आधा एक घंटा लग जाएगा। सो बाहर अगर रतन टाटा जी ने एडीआर जीडीआर इशू किए, मतलब टाटा के शेयर्स रतन टाटा जी ने बाहर अगर डॉलर फॉर्म में इशू किए, तो बाहर से ही आपके $5 बिलियन रेज हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसी एंटिटी हो जो बाहर एडीआर जीडीआर इशू करके बाहर ही $5 बिलियन रेज करके बाहर के बाहर ही इन्वेस्ट कर दे, बाहर के बाहर ही इन्वेस्ट कर दे, तो गवर्नमेंट बोलता है वाह वाह तूफान शानदार जबरदस्त, तुमको तो पद्मश्री पद्म विभूषण भारत रत्न सब अवार्ड होलसेल में दे देने चाहिए, क्योंकि तुमने पहले तो इंडिया का पैसा बचाया, फॉरेन एक्सचेंज बचाया, ऊपर से तुमने बाहर इन्वेस्टमेंट किया, वो भी बाहर जीडीआर एडीआर इशू करके। गवर्नमेंट के वारे नारे, गवर्नमेंट ऐसा पागल हो जाएगा तुम्हारे पीछे, गवर्नमेंट बोलेगा तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा, ओम जय जगदीश हरे, गवर्नमेंट आरती उतारेगा तुम्हारी,
क्योंकि तुमने बिना इंडिया का पैसा लगाया, बिना इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज लगाया, बाहर इन्वेस्टमेंट कर दिया। सो ये ऑप्शन आपके लिए हमेशा ओपन ही है। ऑटोमेटिक रूट अप्रूवल रूट नहीं है, बिल्कुल ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट नहीं है, ये अनलिमिटेड रूट है। इस रूट को मैं कहता हूं इन्फिनिटी रूट, इन्फिनिटी रूट। कितना चाहो उतना इन्वेस्टमेंट बाहर करो, क्योंकि पैसा भी बाहर से रेस कर रहे हो। तो मैं रतन टाटा जी हूं, बटन बांधा है मैंने अभी अभी, ठीक है, मैं रतन टाटा जी हूं। मैंने बाहर अगर जीडीआर, मैंने बाहर एडीआर इशू किए, मैंने पैसा रेस किया, मैंने बाहर ही लगा दिया, गवर्नमेंट पैर धोके पानी पीने आ जाएगी, बोले तुम्हारे जैसा कोई आदमी नहीं देखा। रतन टाटा जी के मेरे नहीं, अपन छोटे मोटे आदमी है भाई, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना, रतन टाटा जी के कैरेक्टर से बाहर है, ठीक है, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। सो बेसिकली देखा जाए तो दिस इज Infinity route. This is not automatic route. This is not approval rate. This is infinity route. Automatic approval route तो तब लगते हैं जब आप government से पैसा लेते हो। जब आप government से पैसा, हम government से पैसा ही नहीं ले रहे, हम बाहर के बाहर निपटा दे रहे, बाहर से ही पैसा निकाला, बाहर ही invest कर दिया, game over. So save India's foreign exchange reserve, issue ADR, GDR in foreign market, raise a fund and invest there only. ये इंफिनिटी रूट है, जितना चाहो उतना, ये इंफिनिटी रूट है। कौन सा रूट है, सब जन बोलो कौन सा रूट है, डालो कमेंट में, इंफिनिटी रूट। कोई बताएगा नहीं आपको, ये इंफिनिटी रूट है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ, है ना। ये पहला रूट हो गया, इसके बाद में दूसरा रूट अब शुरू होता है कि गवर्नमेंट से आप पैसा लेना चाहते हो तो क्या होगा। ये तो गवर्नमेंट से नहीं लिया तो बाहर एडीआर जीडीआर इशू किया, वही पैसा लिया, वही इन्वेस्ट कर दिया। व्हाट इफ यू वांट टू हैव मनी फ्रॉम गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट थ्रू इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो दो रूट निकलते हैं, एक है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या, जरा समझिए। ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या, इंडिविजुअल के लिए जैसा लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम है LRS 2.5 लाख डॉलर का, इंडिविजुअल के लिए जैसा लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम है, इंडिविजुअल के लिए लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम ऑटोमेटिक रूट ही है कि वो साल भर में कितना भी खर्चा करना चाहे, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का, तो 2.5 लाख डॉलर ऑटोमेटिक अप्रूवल है, ऑटोमेटिक अप्रूवल। वैसे ही सेम सिचुएशन में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम है, उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। तो आप कितना इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली कर सकते हो बिना आरबीआई को पूछे, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एडी कैटेगरी वन बैंक को बोलिए कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, अप्रूव्ड है, ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड है, कितना कर सकते हो, 400% ऑफ योर नेटवर्थ। 400 times नहीं, 400 times बहुत ज्यादा हो जाएगा, छप्पर फाड़ के 4000% हो जाएगा। मैं 400% बोल रहा हूं, 400% मतलब 4 times ऑफ योर नेटवर्थ और $1 billion विच एवर इज लोअर, इतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ऑटोमेटिक रूट में। एडी कैटेगरी वन बैंक कल भी डिस्कस किया था, इसीबी में डिस्कस किया था, कल दिखाया था भी था, इंपोर्ट के लेक्चर में मैंने पूरा वेबसाइट खोल के दिखाया था। एडी कैटेगरी वन बैंक का अप्रूवल लगेगा और फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म का नाम भी ओडीआई, टॉपिक का नाम भी ओडीआई, तो फॉर्म याद रखना ओडीआई। ये तीन चीजें आप कंप्लाई करोगे, ऑटोमेटिक रूट में कोई अप्रूवल नहीं ले रहा है, स्ट्रेट अवे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि रुपीस आपके लग रहे हैं। यहां $1 billion बोले हैं, $1 billion मतलब $100 करोड मल्टीप्लाइड बाय 70 रुपए आपको देने हैं। तो थोड़ा रैशनली सोचना कि गवर्नमेंट फ्री में नहीं दे रहा है। जब आप दोगे गवर्नमेंट को 7000 करोड़ रुपए, जब गवर्नमेंट को आप दोगे 7000 करोड़ रुपए, जब आप गवर्नमेंट को दोगे तो $1 billion गवर्नमेंट आपको देगा। एंड विच एवर इज लोअर बोला है तो मैक्सिमम गवर्नमेंट आपको कितना पैसा देगा, 7000 करोड़ रुपए बाहर इन्वेस्ट करने के लिए। 7000 इज अ ह्यूज अमाउंट, बड़े बड़े कंपनी मतलब 7000 करोड़ में यू कैन नॉट परचेस बिग कंपनीज दो, पर यू कैन एटलीस्ट छोटे मोटे स्टार्टअप्स वगैरह कुछ तो परचेस कर सकते हो ताकत से। तो ये अप्रूव्ड है, 7000 करोड़ रुपए अप्रूव्ड है, $1 billion स्ट्रेट अवे अप्रूव्ड है। रुपीस दो, $1 billion ले लो, इन्वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट इसको नहीं रोकेगा। एडी कैटेगरी वन बैंक ओडीआई फॉर्म भरना है, सब डिस्क्लोजर प्रॉपर चाहिए। इसके ऊपर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इससे आपका मन नहीं भर रहा, $1 billion हट। अब मुकेश अंबानी तो $1 billion को गिनते भी नहीं है, मुकेश अंबानी बोले मेरे को 5 billion, आरबीआई बोले 1 billion दूंगा, मुकेश हट तुच्छा आदमी, बिल्कुल नहीं चाहिए, इसके बाद में सपोर्ट एक्सपेक्ट मत करना इंडिया की तरफ मेरा, तो गवर्नमेंट डर गई। गवर्नमेंट बोलती है ओके कोई बात नहीं भाई, इससे ज्यादा हमको आपको इन्वेस्ट करना है, गो फॉर अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट में सब टेलर मेड, $1 billion, $5 billion, $100 billion, पूरे इकोनॉमी के डॉलर आप रख लो, पर अप्रूवल रूट, आरबीआई का अप्रूवल आपको यहां पे लगेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एडी कैटेगरी वन बैंक भी नहीं, आरबीआई अप्रूवल में जाना पड़ेगा। हालांकि आरबीआई ने पावर एडी कैटेगरी वन बैंक को ही देकर रखा है, एनी अमाउंट यहां पर हो सकता है, एनी अमाउंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यहां फिक्स्ड अमाउंट है ऑलरेडी। तो ये है बच्चों ओडीआई करने के तीन रूट, पहला इंफिनिटी रूट, दूसरा है ऑटोमेटिक रूट और तीसरा है अप्रूवल रूट। समझ में आया सबको? आई होप समझ में आया होगा।
ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सो तीन रूट, पहले अगर बाहर से ही पैसा रेस कर रहे हो इन्फिनिटी रूट, इंडिया से पैसा ले रहे हो ऑटोमेटिक रूट $1 बिलियन या 400% ऑफ नेटवर्थ या एनी अमाउंट अप्रूवल रूट में, इससे ऊपर जाना है तो अप्रूवल रूट, ठीक है, लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। समझ में आया तो अपने दांत दे देना मेरे को, सबके दांत जमा कर लूंगा मैं। अंशुल अरोरा वेरी सॉरी बेटा, आपको हाइड करना पड़ेगा इस चैनल से। सेवन थाउजेंड करोड़ गौरव जैन एक ओडीआई इन्वेस्टमेंट के लिए, वन ओडीआई इन्वेस्टमेंट के लिए। नालायक विनायक वनडे इंटरनेशनल लग रहा है तुमको ये, है थैंक यू सो मच शिखर दाद देने के लिए। वैसे ही मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे दांत गिरते आ रहे हैं, मैं यूज़ कर लूँगा। नालायक उज्जवल रेंट पे लाना पड़ता दांत। देवेश शेयर्स वगैरह आप जो इशू कर रहे हो एडीआर जीडीआर, उसका कमीशन आप वहीं से रिकवर करके वहीं बाहर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छा सवाल पूछा है देवेश ने, आप लिखते रहिए मैं बोलूंगा। बाहर जो एडीआर जीडीआर इशू किए इसके लिए अगर आपको कमीशन देना है, अंडर राइटिंग कमीशन देना है, तो आप बाहर का ही जो इशू कर रहे हो उसी में से पैसा निकाल के वही उनको कमीशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अगर वो रुपीज में ले रहे तो बहुत अच्छी बात, पर इस इन्फिनिटी रूट में डॉलर बाहर नहीं जाएगा, ये चीज को आपने याद रखना, क्लियर है। तो बाहर ही आप रेज करो, मतलब अगर आप 1 मिलियन के जीडीआर या 1 बिलियन के जीडीआर इशू कर रहे हो और ऊपर से अगर आप 1-2 लाख के जीडीआर ज्यादा इशू करो तो 1-2 लाख कमीशन के लिए यूज कर लेना, ठीक है, या फिर रुपीज में देना, पर इन्फिनिटी रूट में डॉलर बर्डन नहीं आएगा, ठीक है। नेटवर्थ स्पर्श लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक लॉ में अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल फिगर देखना है तो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही देखना है बेटा। ओके, तानिया ने सवाल पूछा है, काफी अच्छा सवाल है। सर इंडिविजुअल के केस में अगर कोई दूसरे ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं एलआरएस में तो क्या 2.5 लाख का लिमिट कम हो जाएगा? हाँ बेटा। सो अगर इंडिविजुअल के केस में आप आपके बच्चे का एजुकेशन करवा रहे हो उसके लिए आप $1 लाख दे रहे हो तो आपका 2.5 लाख, 1 लाख उसका रहना खाना और एजुकेशन मिला के, तो आपका $2.5 लाख का लिमिट कम होकर 1.5 लाख आ जाएगा। तो अगर आप इस साल 1.5 लाख करोगे तो तानिया नेक्स्ट ईयर आप वापस से 2.5 लाख कर सकते हो ना, ऐसा थोड़ी ना है कि नेक्स्ट साल ओडीआई नहीं कर सकते, तो इस साल भी कर सकते हो, नेक्स्ट साल भी, हर साल आपको $2.5 लाख का लिमिट है, ठीक है। हाँ एलआरएस स्कीम में से पंकज उतना कम हो जाएगा, फिर बचे हुए ट्रांजैक्शन आपको बचे हुए अमाउंट में करने पड़ेंगे। हाँ फॉर अदर एक्सपेंडिचर पंकज कम हो जाएगा। चलो लिखना हो गया, लिखना हो गया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा एवरीबॉडी। कौन सा प्रोहिबिटेड कट में है बेटा अमन? चलो हो गया सबका लिखना, आई गेस हो गया होगा, फोटो भी खींच के रखिए एक काम में आएगी। चलो वैसे एक फतेह की बात बताऊं सबको, सुनोगे? समझ में आया ये ऑटोमेटिक रूट? देखो इन्फिनिटी रूट का तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, जितना आप रेस करोगे उतना इन्वेस्ट कर दो। अप्रूवल रूट का भी कोई कैलकुलेशन नहीं, बिकॉज जितना अप्रूवल मिलेगा उतना आप इन्वेस्ट कर दो।
सो ना इन्फिनिटी रूट का कोई कैलकुलेशन है, ना अप्रोच रूट का कोई कैलकुलेशन है, मेरा एक सवाल है, क्या आपको ऑटोमेटिक रूट समझ में आया? नहीं आया, आई नहीं सकता, क्योंकि मैंने अभी तक इसको एनालाइज ही नहीं किया, मैंने तो इसको पढ़ाया ही नहीं, मैंने सिर्फ बोला कि प्रोविजन क्या है। अब हम जरा धागे खोलेंगे, ठीक है, अब हम जरा धागे खोलेंगे, जरा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे, पर कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो कहीं दिख नहीं सकता, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बोला था फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब क्या, और बहुत सारे बच्चों ने मेरे को सवाल भी पूछा था 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी मतलब क्या, जस्ट वेट फॉर इट, अब एक एक चीज खोलूंगा, अब धागे खुलेंगे, अब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बड़े अच्छे से ध्यान देना, ओडीआई ऐसा जहन में डाल दूंगा कि कुछ भी पूछे आपको आराम से लिख पाओ, वैसे भी 3 महीने एग्जाम डिले हुई है, पेपर टफ होने के पूरे चांसेस है, तो ऐसा सवाल ताकत से आ सकता है। पहले सुनिए कि भैया ये 400% नेटवर्थ में, यहां 400 टाइम्स लिखा है, माय मिस्टेक, यहां लिखना 400% नेटवर्थ, ये सबको बताए 400% नेटवर्थ और $1 बिलियन विच एवर इज लोअर इन्वेस्ट करना है, तो 400% मतलब 4 टाइम्स नेटवर्थ और $1 बिलियन में क्या क्या कवर किया जाएगा, मतलब ये जो $1 बिलियन इसमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट कवर किए जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी बोला था सबको, क्या हो गया इसको, मैंने ऑलरेडी बोला था सबको 100% इक्विटी शेयर ये $1 बिलियन में काउंट किए जाएंगे या 4 टाइम्स नेटवर्थ विच इज लोअर में काउंट किए जाएंगे, 100% कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इसमें काउंट किए जाएंगे, 100% लेंडिंग भी काउंट किया जाएगा, 100% गारंटी भी काउंट किया जाएगा, 100% बैंक गारंटी भी काउंट किया जाएगा, और परफॉर्मेंस गारंटी का 50% काउंट किया जाएगा। अब इक्विटी शेयर सबको पता है, टाटा लैंड रोवर जैगुआर के इक्विटी शेयर लेना चाहता है तो जितना इक्विटी शेयर का, समझो 1 मिलियन इक्विटी शेयर लिए, 1 मिलियन पूरा 100% इसके अंदर काउंट करना है। कन्वर्टेबल कंपलसरी प्रेफरेंस शेयर्स अगर 2 मिलियन लिए, 2 मिलियन भी इसके अंदर, मतलब 1 मिलियन प्लस 2 मिलियन 3 मिलियन लोअर के अंदर आना चाहिए। फिर 100% लेंडिंग, अगर टाटा ने 5 मिलियन का लोन दिया है तो 3 मिलियन प्लस 5 मिलियन 8 मिलियन पूरा इसके अंदर काउंट होगा। टाटा ने अगर 2 मिलियन का गारंटी दिया है तो 8 मिलियन प्लस 2 मिलियन 10 मिलियन का पूरा इसके अंदर काउंट होगा। टाटा ने अंदर किसी बैंक गारंटी को दिया है, ये गारंटी नॉर्मल गारंटी है, किसी दूसरे ने लोन लिया तो आपने गारंटी दे दिया, बैंक गारंटी मतलब बैंक ने लोन दिया और आपने गारंटी दिया। फॉर एग्जांपल मैं टाटा एंटरप्राइज हूं, टाटा एंटरप्राइज वापस बटन, मैं टाटा एंटरप्राइज हूं और लैंड रोवर जैगोर को किसी पर्सन ने लोन दे रहा है, समझो बिल गेट्स लैंड रोवर जैगोर को लोन दे रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं नॉर्मल गारंटी। अगर कोई बैंक है, स्विस बैंक लैंड रोवर जैगोर को लोन दे रहा है और मैं गारंटी दे रहा हूं बैंक गारंटी, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, तो ये सब गारंटी कंसेप्ट समझ में आ रहा है, नॉर्मल गारंटी, ये गारंटी, ये दोनों मिला के आपको इसको काउंट करना है, मतलब 10 मिलियन तक के हम पहुंच गए थे, ऊपर से अगर 2 मिलियन का अगर बैंक गारंटी दिया, 12 मिलियन मिला के लोअर में आना चाहिए, क्लियर है? और परफॉर्मेंस गारंटी 50% काउंट किया जाता है। पहली बात तो व्हाट इज अ परफॉर्मेंस गारंटी, पहले तो ये समझो परफॉर्मेंस गारंटी मतलब क्या। अब मैं बन जाता हूं भैया लैंड रोवर जैगुआर, मैं समझो हूं लैंड रोवर जैगुआर, ठीक है। नाउ लैंड रोवर जैगुआर को चाहिए थे स्पेयर पार्ट्स, और लैंड रोवर जैगुआर ने कॉन्टेक्ट किया स्पेयर पार्ट्स के लिए, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, बाहर के किसी कंपनी से, फॉर एग्जाम्पल जॉन डियर, ठीक है। तो लैंड रोवर जैगुआर ने जॉन डियर वैसे ट्रैक्टर्स बनाता है और बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स बनाता है, बहुत सारे कंज्यूमर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के जॉन डियर बहुत अच्छे स्पेयर पार्ट्स बनाता है। आप बड़े बड़े महिंद्रा टाटा ह्यूंडई बड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग सबको जॉन डियर स्पेयर पार्ट सप्लाई करता है। जॉन डियर डायरेक्ट कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट में नहीं है, पर मैक्सिमम लोगों के स्पेयर पार्ट्स ये सप्लाई करता है। सो मैं लैंड रोवर जैगुआर था, मैंने जॉन डियर को बोला कि मेरे को $2 बिलियन के या फिर $1 बिलियन या $50 मिलियन के, $50 मिलियन के मैंने जॉन डियर को बोला मुझे स्पेयर पार्ट्स दे। जॉन डियर बोले तुम कौन? मैं बोला मैं लैंड रोवर जैगुआर। तो बोले लैंड रोवर जैगुआर कौन? मैं बोला लैंड रोवर जैगुआर द सब्सिडरी, ओनली ओन सब्सिडरी ऑफ टाटा एंटरप्राइज लिमिटेड, टाटा सन्स लिमिटेड। जॉन डियर बोला ठीक है, हम आपको 50 मिलियन के स्पेयर पार्ट्स देंगे, क्या गारंटी आप हमको 50 मिलियन दोगे? जॉन डियर हमको पूछ रहा है लैंड रोवर जैगुआर को, क्या गारंटी आप हमको 50 मिलियन दोगे? मैं बोला मैं दूंगा यार, मैं टाटा एंटरप्राइज के, टाटा सन की सब्सिडियरी, बहुत पैसा है उनके पास, मैं दूंगा। जॉन डियर बोले देखो अभी अभी फोर्ड के पास आप लॉस मेकिंग यूनिट थे, मैं किस बात की गारंटी लूं कि भाई आप मेरे को पैसा लोगे? फोर्ड के पास लॉस मेकिंग यूनिट थे, टाटा के पास तो अभी अभी खरीदे गए हो, तो मैं किस बात की गारंटी लूं? लैंड रोवर जैगुआर बोलता है प्लीज दे दो यार, मेरे को बहुत जरूरत है, बिजनेस चलाना है। जॉन डियर बोलता है देख भाई ये जो इमोशन है ना, ये बाद में, हमको अभी क्या गारंटी मिलेगी, हमको क्या गारंटी मिलेगी कि भाई ये 50 मिलियन हमको मिलेंगे, क्या गारंटी है इस बात की? तो
इस सिचुएशन में लैंड रोवर जैगुआर बोलता है भाई टाटा हमारी ओन एंटरप्राइज है, उनका बहुत पैसा है, तो जॉन डियर क्या बोलता है, तो एक काम करना, वो जो टाटा सन जो तुम्हारी ओन एंटरप्राइज है ना उनसे गारंटी दिलवा। तो अब लैंड रोवर जैगुआर टाटा उसको बोल रहे सुनिए हम आपकी सब्सिडरी है, हमको जॉन डियर से कॉन्ट्रैक्ट करना है, 50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी नहीं है, आप अगर उनको गारंटी दे दो ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे 50 मिलियन का, देखो आपकी ही सब्सिडरी वो प्रॉफिट में आऊंगी, अल्टीमेटली आप ही में तो समाऊंगी, मैं अलग थोड़ी ना हूं, मैं तो आप ही का एक पार्ट हूं, मैं तो आप ही का एक अंश हूं, तो प्लीज आप 50 मिलियन की गारंटी जॉन डियर को दे दीजिए, अगर वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मैं प्रॉफिट करूंगी तो आप भी प्रॉफिट करोगे। अब टाटा सन्स ने 50 मिलियन की गारंटी उठा के दे दी जॉन डियर को कि भाई अगर इन्होंने जैगवार लैंड रोवर ने आपको पेमेंट नहीं किया हम करेंगे, टेंशन मत लो, बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है, तो आप पूरा 50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट करने की गारंटी, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस गारंटी। और ये 50 मिलियन का हम सिर्फ कितना ले रहे हैं, 50%, मतलब 25 मिलियन, 25 मिलियन, और ये सब मिला के इक्विटी, सीसीपीएस, लेंडिंग गारंटी, बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी, ये सब मिला के लोअर ऑफ 4 टाइम्स ऑफ नेटवर्थ और $1 बिलियन, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इतना है तो अलाउड है, इससे ज्यादा गया तो अप्रूवल रूट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये है आपका ऑटोमेटिक रूट का मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, तो चाहूंगा इसको लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। हाँ अखिल बेटा, LRS में 2.5 लाख के ऊपर RBI का अप्रूवल लगता ही है। पंकज, अप्रूवल लेके मिस अप्रोप्रिएट करते हो, 3 टाइम्स पेनल्टी है बेटा, सोचना भी ना। गुड सेल करके अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया सतीश, तो गुड सेल वाला प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कमीशन के लिए प्रोहिबिटेड है, ठीक है, कमीशन के लिए सतीश श्यामलाल, वो गुड सेल वाला प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कमीशन के लिए प्रोहिबिटेड है, बाकी आप गुड सेल करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो अलाउड है। हाँ वो बैंक गारंटी है बेटा अमन, प्रपोज्ड गारंटीज भी लेनी है बेटा ऋषभ, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसके रिगार्डिंग, उस ODI के रिगार्डिंग हर चीज लेनी है। थैंक यू सो मच उज्जवल। ODI फॉर्म ऑलवेज फिल विथ AD कैटेगरी 1 बैंक बेटा सोनी। चलो डन। संदीप रावल ने पूछा है कन्वर्टेबल डिबेंचर लेंगे क्या, तो बेटा कन्वर्टेबल डिबेंचर ये लोन का ही पार्ट होता है, तो उसको लेंडिंग में काउंट किया जाएगा, फिर जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसको इक्विटी शेयर्स में काउंट किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स का होता है। अब ये देखो आपके नोट्स के अंदर यही लिखा है जो मैंने बोला था ना, वो यही लिखा है, देखिए 100% ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, 100% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन कंपलसरी CCPS होने चाहिए, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, 100% अमाउंट ऑफ द लोन, 100% ऑफ द गारंटी, 100% ऑफ द बैंक गारंटी एंड 50% ऑफ द परफॉर्मेंस गारंटी, ठीक है। ये सब मिला के, ये सब मिला के, सब जन बोलो, सब जन कमेंट के अंदर लिखो लिमिट कितना है, 400% या 4 टाइम्स ऑफ नेटवर्थ और $1 बिलियन, विच एवर इज लोअर, सब जन कमेंट में लिखेंगे 400% ऑफ नेटवर्थ और $1 बिलियन, विच एवर इज लोअर। समझ में आ रहा है, जो रेगुलर बैच कर रहे हो बुक में लिखो, किधर भी लिखो, लेकिन लिखो, ये याद रहना चाहिए, ये ऑटोमेटिक रूट है।
चलो मार्क कर लिया सबने, समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया, आ ही नहीं सकता सर। अब इसमें बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है, जरा ध्यान देना। सवाल नंबर एक, एग्जाम्पल तो मैंने काफी सिंपल लिया था, एक कंपनी टाटा, एक कंपनी JLR, ODI, गेम ओवर। वॉट इफ, वॉट इफ देर इज अ टाटा, देर आर मेनी कंपनीज, वो ODI करना चाहती है, उससे भी पहले इसका भी कैलकुलेशन हमको देखना पड़ेगा। तो किस किस को समझ में आया पहले मुझे ये बताइए, मैं उस कंसेप्ट के ऊपर जाऊंगा, जस्ट वेट, पहले बताइए किस किस को समझ में आया। और अगर समझ में आया तो अभी आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि जो 400% और 1 बिलियन डॉलर है, ये 4 टाइम्स और 1 बिलियन डॉलर, ये समझ में आया नहीं आया, बताइए जरा। कमेंट में पढ़ना चाहूंगा, 10-12 सेकंड का लैग है, 15-30 सेकंड का लैग है क्या? समझ में आया पक्का? ओके, अब जिन जिन को समझ में आया बताइए, कोई बता ही नहीं रहा। ओके, अभी आपको लग रहा है समझ में आया, अभी अपन धागे खोलते हैं। अभी तक तो मैंने धागे खोले ही नहीं, अब तो मैं फ्रस्ट्रेट करूंगा। टेबल, अब भाई का मजा हो, और आ गया स्वाद, अब जरा आ जाइए। अब टेबल से सीखते हैं कि किस तरीके से हमको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? उसके अंदर भी एक मस्त चीज मैं अभी आपको पढ़ाना चाहूंगा, आ जाइए आपके नोट्स में। इसके पहले आपको नोट्स में देखना जरूरी है, ठीक है? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ऑटोमेटिक रूट, आ गए सब जन? लिमिट परमिसेबल, देखो क्या बोला गया है, इसको जरा मार्क करा सबने। अभी मैं आपको खतरनाक चीज बताऊंगा, पहले हमको पढ़ना थोड़ा जरूरी है इसके लिए, इसलिए मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूं, आ जाइए। सो भैया, ऑटोमेटिक रूट में 100% ऑफ इक्विटी शेयर्स, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नोट्स में मार्क कर लो, 100% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, 100% ऑफ लोन अमाउंट, 100% ऑफ गारंटी, 100% ऑफ बैंक गारंटी, 50% अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, ठीक है? अब जरा ये 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी को पढ़ते हैं, ठीक है? 50% वाले को, 50% अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इशूड बाय इंडियन पार्टी, प्रोवाइडेड दैट इफ आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ इनवोकेशन ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी रिजल्ट्स इन अ ब्रीच ऑफ द लिमिट ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट, इन अ ब्रीच ऑफ द लिमिट ऑफ द फाइनेंशियल कमिटमेंट इन अ फोर्स, प्रायर परमिशन ऑफ RBI इज ऑब्टेन्ड बिफोर एग्जीक्यूटिंग रेमिटेंस बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट। मजा आता है ना जिंदगी के अंदर, अब आएगा मजा। क्या 20 सेकंड गुस्से से देखिए, गुस्से से देखिए क्या बोला है, मेरे को बताने की कोशिश कीजिए। देख लिया सबने गुस्से से, देखो क्या बोला है, बड़ी खतरनाक चीज बोली है आपने। 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी तो 1 बिलियन डॉलर में ले लिया, लेकिन अगर परफॉर्मेंस गारंटी इन्वोक हो गया, टाटा ने JLR के लिए जॉन डेयर को, टाटा ने JLR के लिए जॉन डेयर को दिया था 50 मिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 25 मिलियन डॉलर काउंट करते हुए फाइनेंशियल कमिटमेंट, राइट? टाटा ने JLR के लिए जॉन डेयर को दिया था 25 मिलियन डॉलर के लिए परफॉर्मेंस गारंटी का कमिटमेंट, जिसमें से 50 मिलियन डॉलर का कमिटमेंट, जिसमें से 25 मिलियन काउंट किया था। नाउ इफ वी इमेजिन, अगर लेते हैं ऐसा
ऐसा अगर लेते हैं कि समझो विचेवर इज लोअर जो लिमिट है, 4 टाइम्स ऑफ द नेटवर्थ और $1 बिलियन, विचेवर इज लोअर, इसमें से लिमिट आ रही है $1 बिलियन। कितने बिलियन डॉलर? 1 बिलियन। ये 1 बिलियन को पकड़ के रखो, ठीक है, दिस इज $1 बिलियन। मेरा इक्विटी प्लस सीसीपीएस प्लस लेंडिंग प्लस नॉर्मल गारंटी प्लस बैंक गारंटी प्लस 50% परफॉर्मेंस गारंटी, ठीक है, ये सब मिला के मेरा आ रहा है 999 मिलियन। 999 मिलियन मतलब ये सब मैंने मिला दिया, ये जस्ट 1 बिलियन के नीचे आ रहा है। इक्विटी, प्रेफरेंस, लोन गारंटी, बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी का 50%, ये सब मिला के 1 बिलियन के जस्ट नीचे आ रहा है। $1 बिलियन मतलब $100 करोड़, क्लियर है, 1 बिलियन के जस्ट नीचे आ रहा है। $100 करोड़ की बात करें, मेरा अगर ये 99 करोड़ आया टोटल सबका 99 करोड़, और जब जब JLR ने पेमेंट जॉन डियर को नहीं किया, जब JLR ने पेमेंट जॉन डियर को नहीं किया, तो मुझे तो 50 मिलियन देने पड़ेंगे ना। हालांकि कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ 50 मिलियन के 50% लिया है, 25 मिलियन, पर देते वक्त तो 50 मिलियन देने पड़ेंगे। मतलब मेरा जो फाइनेंशियल कमिटमेंट था 25 मिलियन का, आपने जो काउंट किया था, वो एक्चुअली देते वक्त, इन्वोक करते वक्त 50 मिलियन देना पड़ा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वापस बोल रहा हूं कि भाई इक्विटी, प्रेफरेंस, लेंडिंग प्लस बैंक गारंटी प्लस परफॉर्मेंस गारंटी का 50% मिला के मेरा जस्ट $1 बिलियन के जस्ट नीचे आ रहा है। 99 करोड़ आ रहा है मेरा, जस्ट 99 करोड़ आ रहा है। पर जब मैं इसको 25 मिलियन, ये तो 99 करोड़ में तो सिर्फ 25 मिलियन परफॉर्मेंस गारंटी है, मतलब 2.5 करोड़ परफॉर्मेंस गारंटी है, सिर्फ 2.5 करोड़ की परफॉर्मेंस गारंटी है। पर जब मैं जॉन डेयर को, अगर ये परफॉर्मेंस JLR ने पेमेंट नहीं किया, तो मुझे 50 मिलियन देना है ना, मुझे $5 करोड़ देना है, तो ये $2.5 करोड़ जो 99 करोड़ में काउंट किए हैं, पर देते वक्त तो मैं और 2.5 करोड़ दूंगा, देते वक्त तो और 2.5 करोड़ दूंगा, 2.5 करोड़ इसमें काउंटेड है, पर देते वक्त परफॉर्मेंस गारंटी का मैं और 2.5 करोड़ दूंगा ना, तो ये तो भैया 1 बिलियन के ऊपर चला जाएगा। मतलब आपने $1 बिलियन की लिमिट तोड़ दी। जब परफॉर्मेंस गारंटी इन्वोक होगी, पहले 50% काउंटी, देते वक्त तो 100% देनी पड़ेगी, तो ये जो 50% मिला के जस्ट 1 बिलियन के नीचे थी, जैसे ही पूरा 100% दे दिया, इन्वोक हो गई। पर देखो, गारंटी इन्वोक हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम यही रुक जाएंगे, लेकिन अगर इन्वोक हो गई तो मुझे तो देना पड़ेगा ना $1 बिलियन के अबव, तो मैंने दिया $1 बिलियन के अबव, मैंने दिया $1 बिलियन के अबव, तो मेरा जो 1 बिलियन का जो ऑटोमेटिक रूट का अप्रूवल है वो तो गया, पर ऑलरेडी मैंने फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑटोमेटिक रूट में डाला था, ओडीआई ने मेरे को अप्रूवल भी दिया था, तब जाके मैंने ओडीआई किया था, एडी कैटेगरी बंदा के मेरे को हां बोला था, तब जाके मैंने ओडीआई किया था। तो भैया पहले का इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस लोन प्लस बैंक गारंटी प्लस नॉर्मल गारंटी प्लस परफॉर्मेंस गारंटी, यह जब आया था 99 करोड़ रुपीज के ऊपर, और वो सिर्फ मैं 2.5 करोड़ परफॉर्मेंस गारंटी की बात कर रहा था, टोटल परफॉर्मेंस में को 5 करोड़ का करना पड़ा, तो ये तो जंप कर लिया ना $1 बिलियन के ऊपर। तो अब ये जो मैंने $1 बिलियन के ऊपर परफॉर्मेंस गारंटी की वजह से ये जो डिफरेंस आया है, 2.5 करोड़ था तो 1 बिलियन के नीचे था, 2.5 करोड़ से 5 करोड़ हो गया इन्वोक करते वक्त, देते वक्त तो हो गया भैया $1 बिलियन के ऊपर, तो ये तो मैंने ऑटोमेटिक रूट का कमिटमेंट तोड़ दिया। मुझे तो अब कॉन्ट्रावेंशन पेनल्टी लगना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट का कमिटमेंट तोड़ दिया। अब मैं कहां घुस गया अप्रूवल रूट में, हमें कहां घुस गया अप्रूवल रूट में, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि पहले हमने परफॉर्मेंस गारंटी 50% काउंट किया था, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, अभी हमने उसको इन्वोक किया तो स्ट्रेट अभी जंप कर दिया $1 बिलियन के ऊपर। अब करे क्या? तो इन्होंने उसके लिए ये सेंटेंस बोला है कि कभी कभी अगर आपकी परफॉर्मेंस गारंटी इन्वोक हो जाए तो डरना मत, आप अप्रूवल रूट में नहीं गए हो, सिर्फ इतना करना कि सिर्फ परफॉर्मेंस गारंटी के लिए, सिर्फ परफॉर्मेंस गारंटी के लिए प्रायर परमिशन ऑफ RBI ले लेना और आपका काम हो जाएगा, आप परफॉर्मेंस गारंटी इन्वोक कर सकते हो। ला 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 ला, ला वापस बोलता हूं, वापस सुनिएगा, टाटा, JLR, जॉन डेयर, इक्विटी लिया, प्रेफरेंस लिया, इक्विटी लिया, प्रेफरेंस लिया, लोन भी दिया, गारंटी भी दिया, बैंक गारंटी भी दिया, और ये जो जॉन डेयर का 50 मिलियन था ना, 5 करोड़, 50 मिलियन मत, 5 करोड़,
तो जॉन डेयर का ये जो 50 मिलियन था ना, 5 करोड़, उस 5 करोड़ के लिए 2.5 करोड़ काउंट करके, 5 करोड़ देना ही था पर उसको भी परफॉर्मेंस गारंटी दिया जिसमें से 2.5 करोड़ काउंट किया। अब जो ये इक्विटी प्रेफरेंस प्लस लोन प्लस बैंक गारंटी प्लस जो भी गारंटी है प्लस परफॉर्मेंस गारंटी, 5 करोड़ काउंट करनी थी, सिर्फ 2.5 करोड़ काउंट की, और ये सब टोटल मिला के जस्ट $1 बिलियन के नीचे आया, $99 करोड़। अब जेएलआर ने पेमेंट नहीं किया जॉन डियर को, तो मुझे तो 5 करोड़ देने पड़ेंगे ना ऐसे टाटा, क्योंकि परफॉर्मेंस गारंटी मैंने दिया था, तो मुझे 5 करोड़ देने पड़ेंगे। तो 2.5 करोड़ मिला के 99 करोड़ आया था, और 2.5 करोड़ निला दूंगा तो 101.5 करोड़ हो जाएगा, मतलब 1.01 बिलियन डॉलर हो जाएगा, 1.1 बिलियन जो भी होगा, $1 बिलियन के तो ऊपर चला जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या बोला है, प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई लो, सिर्फ परफॉर्मेंस गारंटी के लिए कोई अप्रूवल रूट में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टार मार्क करके रखना, एग्जाम में तोड़ देंगे वो तुमको, इसके ऊपर तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, पर अपन टूटने वालों में से है नहीं, अपन इसको देखेंगे, जरूर देखेंगे। स्टार मार्क करके रखो और समझा कर बताइए मुझे प्लीज। समझ में आया सबको? डन एवरीबॉडी। अब आ जाइए, अब मैं सबसे पहले सबको बोल दूं, जो चीज मैं अब करने जा रहा हूं वो काफी डेयरिंग वाली है, मतलब मैं भी जिंदगी में फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, ठीक है, और ये जानबूझ के कर रहा हूं, कोई इस इक्वेशन में हाथ नहीं डालता, बिकॉज सबको पता है कि वो लोग गलतियां करेंगे, कोई इसके अंदर हाथ नहीं डालता, लेकिन मैं जानबूझ के इसके अंदर हाथ डाल रहा हूं क्योंकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, हो सकता है इसके बिटवीन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर मैं मेरे तरफ से ट्राई कर रहा हूं कि ये जो पूरा कच्चा चिट्ठा, इसको कैलकुलेशन लेवल पे देखे, और ये चार्ट इसी के लिए बनाया है, मेगा बॉम्बर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ओडिया में एग्जाम में आपको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं करेगा कोई, ठीक है। एक क्या कहते हैं उसको, माइक टायसन, माइक टायसन पता है ना, नहीं मोहम्मद अली, माय मिस्टेक, मोहम्मद अली का एक कोट था, मोहम्मद अली बोलता था, इफ इवन इन ड्रीम यू हैव थॉट अबाउट बीटिंग मी, मोहम्मद अली बोलता था, इफ इवन इन ड्रीम यू हैव थॉट अबाउट बीटिंग मी देन इमीडिएटली यू शुड वेक अप एंड अपोलोजाइज। अगर तुमने सपने भी सोचा है कि तुम मेरे को तोड़ोगे, तो तुमने उठना चाहिए और अपोलोजाइज करना चाहिए, ऐसा आपका प्रिपरेशन होना चाहिए सीए का, कि अगर सपने भी इंस्टीट्यूट ने सोचा कि तुमको फेल कर देंगे, तो उठ के इंस्टीट्यूट ने सॉरी बोलना चाहिए कि नहीं। तो ये उस लेवल का चार्ट है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, मैं भी डेयरिंग कर रहा हूं, मैं भी रिस्क ले रहा हूं पढ़ाने का इसको, बट करेंगे, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आप में मिलकर ज्यादा ज्यादा साथ में गलती करेंगे, ठीक कर लेंगे आप और मैं साथ में, तो डर किस बात का, ठीक है। तो अब बड़े अच्छे से ध्यान देना, पहले कॉलम समझा दूं, ठीक है, आर यू रेडी। कॉलम वन इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉलम टू सीसीपीएस, साथ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इसी के अंदर ले लो, कंपलसरी नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर्स, लोन गारंटी, बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी, फिर इन सब का टोटल भी हमको करना है, तो 1+2+3+4+5+6 का 50%, इसलिए 0.5 × 6, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। फिर नेटवर्थ का, नेटवर्थ मतलब पेडअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स बोला है, फिर नेटवर्थ का 400%, यहां नेटवर्थ का मतलब पेडअप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स ही होगा, फिर नेटवर्थ का 400%, मतलब 8th कॉलम का 400%, फिर 9th कॉलम $1 बिलियन, और फिर ये आएगा यहां पे कि आपको कौन से रूट में अप्रूवल लगेगा, इनमें से विच एवर इज लोअर लेना है, लोअर के हिसाब से आपको बोलना है कि कौन सा रूट है, अप्रूवल रूट है, ऑटोमेटिक रूट है, क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको, है ना। इन सबका ये टोटल 7th वाले कॉलम का टोटल, अगर 9th-10th कॉलम के लोअर से ज्यादा है तो आपको रूट बोलना है, अप्रूवल या ऑटोमेटिक रूट। फिर परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट हुई क्या, और परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट हुई तो टोटल अमाउंट ज्यादा जा रहा है क्या, और ज्यादा जा रहा है तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा क्या, ठीक है। 14वां कॉलम स्पेशल पॉइंट्स के लिए, कि अगर हमको कुछ लगा तो एक ब्लैंक रखा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, सो आई डोंट नो कि कुछ स्पेशल लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ ट्रिक थोड़ी यहां पर है कि इन दोनों का विच एवर इज लोअर लेना और उसको 7th से कंपेयर करना है,
ठीक है, फिर ही जाके आप रूट देख पाओगे। आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, इक्विटी शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया 20 करोड़ का, सब मैं करोड़ में ले रहा हूँ, मिलियन बिलियन में ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप मिलियन बिलियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, फिलहाल हमको कैलकुलेशन समझने की जरूरत है ज्यादा, ठीक है। मिलियन बिलियन कन्वर्जन हो जाएगा, 20 करोड़ मतलब 20 करोड़ पता है ना कितना होता है, 200 मिलियन डॉलर इज इक्वल टू 20 करोड़, 20 मिलियन मतलब 2 करोड़। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। सो मिलियन बिलियन छोड़ दो, कैलकुलेशन पे ध्यान दो। 20 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल लिया है टाटा सन्स ने JLR के अंदर, 30 करोड़ का कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर लिया है, लोन दिया है उसको 15 करोड़, गारंटी दी है 5 करोड़, बैंक गारंटी 2 करोड़, परफॉर्मेंस गारंटी 6 करोड़। नाउ नाउ कॉलम 7 में 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी लेना है, सोचना 20 प्लस 30 50 प्लस 15 65, 65 प्लस 5 70, ठीक है, प्लस 2 72, बराबर है 72 और 6 करोड़ का 3, 6 करोड़ का 50% मतलब 3 करोड़, मतलब 75 करोड़, ठीक है। यह आया टोटल 7th कॉलम का, और परफॉर्मेंस गारंटी का सिर्फ 50% हमने लिया है, ठीक है। नेटवर्थ समझो है 20 करोड़। नाउ नेटवर्थ के 4 टाइम्स आपको अलाउड है, नेटवर्थ के 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 80 करोड़, 20 करोड़ का 4 टाइम्स 80 करोड़, और 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर तो फिक्स है ना, तो हम विच एवर इज लोअर लेंगे, ठीक है। 9 और 1 बिलियन डॉलर विच एवर इज लोअर, ये कॉलम उसी के लिए है, सो 9th कॉलम और 1 बिलियन डॉलर विच एवर इज लोअर, तो कितना आया 80 करोड़, बिकॉज 80 करोड़ और 1 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है, सो 80 करोड़ और 1 बिलियन डॉलर विच एवर इज लोअर 80 करोड़। समझ में आ रहा है? अब देखो मैं 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं विद 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, जो 80 करोड़ से कम है, तो मैं ऑटोमेटिक रूट में जाऊंगा। कौन से रूट में जाऊंगा? ऑटोमेटिक। क्या परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट किया? नो। सो कोई अप्रूवल की जरूरत है? नहीं। स्पेशल पॉइंट में कुछ नहीं आएगा। समझ में आया? पहले एग्जांपल को 20 सेकंड देख लीजिए, कोई घाई नहीं है, 20 सेकंड देख लीजिए, मैं रुकता हूं। समझ में आया कि मुझे कमेंट में भी बोलना, ठीक है, मैं रुक जाता हूं, पर समझ लीजिए इसको प्लीज, क्योंकि इसके ऊपर अगले सभी एग्जांपल डिपेंड है, ठीक है, समझ लीजिए प्लीज। अंकित फास्ट फॉरवर्ड में नहीं बेटा, आपको हो सकता है जल्दी समझ में आएगा, लेकिन बाकी भी बच्चे हैं उनको भी समझ में आया बेटे, ठीक है। समझ में आया क्या? सबजन बोलिएगा। एक 150 लोग हैं ऑनलाइन, 5 लोग कमेंट करते हैं बस, बहुत बढ़िया। चलो अब अगर सबको समझ में आ रहा है, 10 लोगों ने तो बोल दिया, तो अजूम सबको समझ में आ रहा होगा, अब लेवल बढ़ता जाएगा, इसलिए बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना सबने, ठीक है। अब लेवल बढ़ता जाएगा, अब इतना आसान नहीं रहेगा ये, ठीक है। सो आई विश कि आप बहुत अच्छे से ध्यान दो बोर्ड के ऊपर। रेडी? लेट्स गो, एक सेकंड होल्ड, ठीक है। अब लेवल बढ़ता जाएगा, 20 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर 30 करोड़, लोन 15 करोड़, गारंटी 10 करोड़, ठीक है, बैंक गारंटी 15 करोड़, परफॉर्मेंस गारंटी 10 करोड़। मुझे बताइए 7th कॉलम का टोटल कितना आना चाहिए, सब जन बताइए कमेंट में डालिएगा, 50, 65, 75, 90 और 5, 95 करोड़। 20 करोड़ ही था तो 20 करोड़ का 4 टाइम्स 80 करोड़, 80 करोड़ और 1 बिलियन विच एवर इज लोअर 80 करोड़। नाउ 95 करोड़ कंपेयर टू 80 करोड़ इज एक्स्ट्रा, तो आप कौन से रूट में जाओगे? अप्रूवल। परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूटेड है? नो। अप्रूवल किसका लगेगा? आरबीआई। और यस, आरबीआई का आपको अप्रूवल लगेगा, लेकिन किस बात के लिए आरबीआई का अप्रूवल लगेगा? किस बात के लिए अप्रूवल लगेगा? आपको लगेगा आरबीआई का अप्रूवल फॉर द पर्पस ऑफ ऑटोमेटिक रूट, परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूशन के लिए नहीं लगने वाला है, आपको आरबीआई का अप्रूवल ऑटोमेटिक रूट के लिए लगने वाला है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो ये चीज को अप्रूवल रूट के लिए लगने वाला, ऑटोमेटिक नहीं, अप्रूवल रूट के लिए, परफॉर्मेंस गारंटी नहीं, अप्रूवल रूट के लिए अप्रूवल है, ठीक है। अब ये मैंने आर भी लिख के रखा है, आगे भी इसका मीनिंग आएगा, जस्ट वेट फॉर इट, ठीक है। रूट के लिए अप्रूवल है, आर स्टैंड्स फॉर रूट, कि कौन से रूट के लिए अप्रूवल लिया है, ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रूट, तो हमने अप्रूवल रूट के लिए अप्रूवल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, 20 करोड़, 30 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 16 करोड़, ठीक है, 50, 65, 75, 80, 80,
प्लस 8 बराबर किया ना मैंने 50, 65, 75, 80 प्लस 8 मतलब माय मिस्टेक 50, 65, 75, 80 प्लस 8 यहां पे एक छोटा सा एरर हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूं। 78 ही मेरे को टोटल चाहिए था तो यहां मैं 5 करोड़ कर देता हूं, ठीक है समझने के हिसाब से। ठीक है सो 88 की जगह पे हम इसको 78 कर रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि हमको एग्जांपल उस टाइप में चाहिए। सो 78 हो गया। सो 50 प्लस 55, 65, 70 और इसमें से 8, 78 करोड़। क्लियर है कॉन्सेप्ट सबको? हाँ ना, मैंने बोला था इसमें एरर होगा, मैं भी रिस्की ले रहा हूं, ठीक है तो समझ लेना जरा। 78 करोड़, 20 करोड़, तो 20 करोड़ का 4 टाइम 80 करोड़, 80 करोड़ और 1 बिलियन डॉलर, विच एवर इज लोअर, 80 करोड़। नाउ 78 करोड़ पे ऊपर हम है और 80 करोड़ का हमारा लिमिट है, तो हम जाएंगे ऑटोमेटिक रूट में। नाउ अगर परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट हो गया, 16 करोड़ का परफॉर्मेंस गारंटी है, 78 में सिर्फ 8 लिया है, सिर्फ 8 करोड़ लिया है। अब अगर परफॉर्मेंस गारंटी पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो 78 प्लस 8 हो जाएगा 86, 78 प्लस 8 हो जाएगा कितना 86, और 86 80 करोड़ के ऊपर है तो मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई का परफॉर्मेंस गारंटी के लिए, क्योंकि टोटल कितना जा रहा है 86 करोड़। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, इस तरीके से हमको समझना है अच्छे से। आगे के भी अगर इसमें एरर है तो आगे के भी कोई इसमें एरर हो सकता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैं उसको करेक्ट करूंगा, डोंट वरी, आपने भी साथ में सहयोग कर रहा। 20 करोड़, 30 करोड़, वापस 15 आया, देखेंगे इसको, 10 करोड़, 5 करोड़, 16 करोड़। क्लियर है कॉन्सेप्ट? टोटल जा रहा है 78, तो यहां पे भी 5 ही होगा। ए मां शक्ति, ए मां शक्ति, क्या हो रहा है इसको? चाइना बोलना ही नहीं, चाइना बोलने के बाद ही डर लगता है आजकल, ध्यान दीजिएगा। हाँ क्या, सो यहां पे भी हम कितना करोड़ ले रहे हैं, 5 करोड़, तो टोटल कितना आ गया बोले एक बार, 78। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। नाउ बड़े अच्छे से ध्यान देना, 40 करोड़ का नेटवर्थ है, कितने करोड़ का है 40, 40 करोड़ का नेटवर्थ है, उसका अगर 4 टाइम्स लेंगे तो होगा 160 करोड़। 160 करोड़ और 1 बिलियन डॉलर विच एवर इज लोअर, तो बेटा 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन डॉलर इज लोअर, तो मैंने 100 करोड़ लिया। नाउ 78 करोड़ और 100 करोड़, तो अप्रूवल कौन सा जाएगा, ऑटोमेटिक रूट। अप्रूवल कौन सा जाएगा, ऑटोमेटिक रूट। वेदर परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूटेड, नो, तो यहां पे कोई अप्रूवल लगेगा नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, क्लियर है कंसेप्ट? एक बार वापस से एग्जांपल बोल दूं, बीच में रुक गए थे इसलिए। 20, 30 करोड़ हो गया 50, प्लस 5 55 मतलब 55, प्लस 10 65, प्लस 5 70, ठीक है, प्लस 8 तो हो गया 78। 40 करोड़ का हमारा नेटवर्थ था इसलिए 160 करोड़, और 1 बिलियन डॉलर विच एवर इज लोअर, तो 1 बिलियन डॉलर मतलब 100 करोड़, तो ऑब्वियसली 78 करोड़ लेस देन 100 करोड़, ऑटोमेटिक रूट, नो अप्रूवल्स। नेक्स्ट केस, 20 करोड़, 30 करोड़ प्लस 15, अब ये 15 चाहिए क्या, देखेंगे, जस्ट वेट फॉर इट। 10, 5, 16 और टोटल हम 78 ले रहे हैं, तो ये भी 5 करोड़ होगा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 5 करोड़, सो 78 करोड़, तो यहां पे 40 करोड़, 160 करोड़, ठीक है, और 100 करोड़ यहां पे आया। अब अगर ऑटोमेटिक रूट में है, ऊपर का एग्जांपल रिपीट हो रहा है पूरा, ऑटोमेटिक रूट में है, देखिए टोटल हो रहा है 78 करोड़, 78 करोड़ इज लेस देन 100 करोड़, सो ऑटोमेटिक रूट में है। परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट किया, यस, पर परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट करने के बाद भी 78 करोड़ में इसके बचे हुए 8 करोड़ ऐड करोगे तो 86 करोड़ ही होगा, और 86 करोड़ एनीवे 100 करोड़ के नीचे है, लिमिट के तो नीचे है ना 86 करोड़, तो अप्रूवल लगेगा नो, बिकॉज टोटल अमाउंट इज 86 करोड़। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अगला वाला केस, 20 करोड़, 30 करोड़, 15 करोड़, 10, 5, 40, टोटल हो गया 100। अब एक बार जरा कैलकुलेट करते 100 हो रहा है क्या, सो 20, 30, 50 हो गया, 50, 65, 10, 75, 5, 80 और इसका 20, अब बराबर 100 हो रहा है, यहां 15 करोड़ ही चाहिए, ठीक है, वापस देखिएगा, 20 करोड़ प्लस 30 करोड़ दैट इज 50 करोड़, प्लस 15, 65, 75, 80 और इसका 50%, 20 मतलब कितना हुआ 100 करोड़। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब यहां पे 40 करोड़ था, 160 करोड़ 4 टाइम्स होगा, 160 करोड़ और 1 बिलियन व्हिचएवर इज लोअर, तो 100 करोड़, ठीक है, मतलब हम एग्जैक्टली कट टू कट चल रहे हैं, और यहां तक के आपको अलाउड है, मतलब स्टिल यू आर इन ऑटोमेटिक रूट, बिकॉज 100 करोड़ 100 करोड़ मैच कर रहा है, और हमको 100 करोड़ 1 बिलियन डॉलर तक अलाउड है, 1 बिलियन डॉलर के नीचे, 1 बिलियन डॉलर तक, इसलिए स्टिल ये ऑटोमेटिक रूट में है। क्लियर है? क्या मैंने परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट किया? यस, मतलब अब ये टोटल 120 करोड़ हो जाएगा, तो परफॉर्मेंस गारंटी के लिए मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर है? पीजी के लिए अप्रूवल है, रूट के लिए नहीं है। अगला एग्जांपल, 20 करोड़, 30 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़, 15 करोड़,
और 20 करोड़ टोटल करते हैं एक बार, 20 30 50 65 30 मतलब 95 प्लस 15 110 प्लस 10 मतलब 120 करोड़ प्लस 10, 20 करोड़ का 10% 50% लेना है ना, 10 मतलब कितना आया 120 करोड़। नाउ 40 करोड़ अगर मेरा लिमिट है, 160 करोड़, यहां 100 करोड़ है, तो 120 करोड़ इज एक्सेडिंग 100 करोड़, मतलब मैं कौन से रूट में चला गया, अप्रूवल, क्या मुझे परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट किया मैंने, नो, तो मुझे कोई अप्रूवल लेने की जरूरत है, यस, रूट के लिए अप्रूवल लेने की जरूरत है क्योंकि मैं अप्रूवल रूट में हूं, क्लियर है। टोटल आ रहा है हमारा 120 करोड़। अगला वाला, अब सबसे अगला वाला एंड वाला जिसमें दोनों अप्रूवल है, 20 30 15 30 15 20 टोटल 120, ऊपर का ही एग्जांपल कॉपी किया है, 40 करोड़ 160 100 करोड़। नाउ 120 करोड़ गोज अबाउ 100 करोड़, दैट्स व्हाई अप्रूवल रूट तो आया, क्या परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूट किया, यस, क्या मुझे अप्रूवल की जरूरत है, यस, फॉर रूट आल्सो, फॉर परफॉर्मेंस गारंटी आल्सो। पर अगर आपको अप्रूवल रूट में रूट के लिए अप्रूवल मिला है तो नॉर्मली परफॉर्मेंस गारंटी के लिए बहुत सेपरेट अप्रूवल मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो नॉर्मली यहां रूट अप्रूवल ही आपके लिए वर्क करेगा क्योंकि टोटल आपका आ रहा है 130 करोड़, आई गेस 130 करोड़ आ रहा है क्योंकि यहां 20 करोड़ का ही परफॉर्मेंस गारंटी है। तो मैंने मेरे तरफ से आपको समझा दिया कि इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, सॉरी फॉर दीज थ्री एरर्स, ये कोई इच्छा नहीं थी, पर कई बार टेबल बनाने में, इतने सारे एग्जांपल बनाने में हो जाता है। अगर पसंद आया तो प्लीज मुझे बोलिएगा, आपका कंसेप्ट यहां क्लियर होता है ऑटोमेटिक रूट का और अप्रूवल रूट का, गो वर्ल्ड फास्ट। चार्ट अगर पसंद आया तो लाइक ठोक दीजिएगा बेटा। पसंद आया चार्ट तो लाइक ठोक दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। दांत बाकी रहने दो सारंग, थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। लिख लीजिएगा इसको, फोटो खींच लीजिए, लिखने में मत जाइएगा प्लीज, फोटो खींच लीजिएगा सबने। थैंक यू पंकज, सोनी, महक, थैंक यू सो मच, अभिरुचि, अनुल, दीक्षा, सारंग, लोकेश, सौरभ, राहुल, तुषार, अंकित, कार्तिक, सतीश, प्रचिता, रामस्वरूप, संदीप, नितिन, रोहित, हर्षा, श्वेता, पंकज रावत, थैंक यू सो मच गाइस एवरीबॉडी। अभी लग रहा है थोड़ी मेहनत सफल हुई है करके। थैंक यू सो मच गाइस। अप्रूवल इज ओनली रिक्वायर्ड जब पीजी वाला आपका परफॉर्मेंस गारंटी इज मोर देन आपका जो टोटल है कॉलम 10th का उसके ऊपर है। थैंक यू सो मच गाइस, गौरव, नितिन, उज्जवल, अंकित, धारा, श्रुति, पंकज, थैंक यू सो मच गाइस। ओके सो इसका फोटो खींच लीजिएगा प्लीज सबने, अभी भी खींच लो अगर किसी ने नहीं खींचा होगा तो, ठीक है। इसको आराम से लिखते रहना, और कैसे लिखना कि पहले आप सिर्फ ये वाले डिजिट लिखना और इसके आंसर्स खुद देने की कोशिश करना, तो आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो अगर अभी आपको क्लियर हो गया होगा, मैं बोलता हूं अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मैं बोला इस कदर फाड़ूंगा ना कि कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ, अभी भी एक चीज बाकी है, पूछो क्या। मैंने एक चीज पेंडिंग रखी थी, थोड़ी देर पहले बोली थी, ये तो बेटा वन ऑन वन चल रहा है, टाटा सन्स JLR, टाटा सन्स JLR, बस इतना चल रहा है। वॉट इफ टाटा, रिलायंस, इंफोसिस, विप्रो चारों एक साथ आए और चारों मिलके ओडीआई करना चाहते हैं JLR, अरोरा अलगी, रिलायंस LLC, ऐसे चार पांच कंपनी में,
तो क्या ऑटोमेटिक रूट वाली, 4 टाइम्स वाली लिमिट और $1 बिलियन वाली लिमिट, ये चारों के इन्वेस्टमेंट के लिए, उन चारों में प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं चार मिलके, ऐसा नहीं कि एक 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 में कर रहा है, चार मिलके चार डिफरेंट कंपनीज में अगर पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ओडीआई, तो मुझे बताओ ऑटोमेटिक रूट का 4 टाइम्स और $1 बिलियन वाला लिमिट सबको मिला के लगेगा या सबको सेपरेटली लगेगा? मुझे आंसर देना कमेंट में, मैं देखना चाहूंगा। अगला चार टीसी के ऊपर है हमारा, ठीक है? आंसर देना कमेंट में, मैं देखना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है इसके ऊपर, ठीक है? कि चारों के लिए एक सेपरेट लिमिट रहेगा 4 टाइम 4 टाइम 4 टाइम और $1 बिलियन, या चारों का मिलकर एक ही लिमिट रहेगा फॉर ऑल द फोर इन्वेस्टमेंट्स एट द सेम टाइम? बताइए मुझे आंसर क्या है आपका, बताइए फटाफट, मैं देखना चाहूंगा। शुभम टाइटल पढ़ लीजिए बेटा, टाइटल में सब डिस्क्राइब किया है। बेटा 2 ईयर्स गारंटी, ऐसे 1 ईयर 2 ईयर का नहीं होता, 1 साल हमने गारंटी दे दिया, जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता कार्तिक तब तक क्यों गारंटी रहेगा ही? मिलके एक लिमिट है या सेपरेट है बताइए? कुछ सेपरेट बोल रहे हैं, कुछ मिलके बोल रहे हैं, कुछ वन लिमिट बोल रहे हैं, कुछ सेपरेट, कुछ मिलके, कुछ सेपरेट, कुछ मिलके, ये खतरनाक। अब आपको मैं एक और चार्ट देता हूं, इससे ही आप खुश हो गए ना, एक और चार्ट देता हूं, अब तो आपको डबल ट्रिपल खुश कर देंगे, ठीक है? अब कंसेप्ट को चीर फाड़ डालेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे से ध्यान देना बोर्ड के ऊपर, वेदर इट इज अ वन ऑन वन ओडीआई और इट इज ऑल टू ऑल ओडीआई। तो याद रखना बच्चों, ये सेपरेट लिमिट नहीं है, ये ऑल टू ऑल ओडीआई है। सब कंपनीज मिला के अगर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबका मिला के आपको 4 टाइम्स और $1 बिलियन का लिमिट मिलेगा। मतलब टाटा, रिलायंस, इंफोसिस, विप्रो, चारों को मिलकर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे चार कंपनीज में, सबका मिला के विचेवर इज लोअर, तो मैक्सिमम $1 बिलियन तक ही लिमिटेड रहेगा। ये चार्ट उसके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है? एक और चार्ट, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं बोला था मैं फाड़ के रख दूंगा आज। कॉलम नंबर 1, जो इन्वेस्टमेंट 1 कर रहे हैं उनका नेटवर्थ दैट इज टाटा, इन्वेस्टमेंट 2 नेटवर्थ रिलायंस, इन्वेस्टमेंट 3 जो कर रहे हैं नेटवर्थ इंफोसिस, इन्वेस्टमेंट 4 नेटवर्थ विप्रो। टोटल नेटवर्थ इन सब का मल्टीप्लाइड बाय 400%। कॉलम नंबर 6 4 टाइम्स और 1 बिलियन विच एवर इज लोअर, ठीक है? ओडीआई कर रहे हैं जेएलआर में पहला इन्वेस्टमेंट, ओडीआई कर रहे हैं रिलायंस में दूसरा, या रिलायंस अलगी जो भी है, ओडीआई कर रहे हैं टीएमएल में तीसरा, ओडीआई कर रहे हैं डेल्टा कॉरपोरेशन चौथा। ये चार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टोटल कितना, कौन से रूट में जाएगा? ला 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 ला, ठीक है? अब ये चीज को याद रखना। अब इसमें मैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह के जो कैलकुलेशन है वो नहीं ले रहा हूं, अब मैं कंपनी टू कंपनी का कैलकुलेशन ले रहा हूं, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? स्टार्ट करते ध्यान देना। टाटा ने 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाला, रिलायंस ने कुछ भी नहीं डाला, इन्फोसिस ने कुछ नहीं डाला, विप्रो ने कुछ नहीं डाला। टोटल नेटवर्क सिर्फ टाटा का देखा जाएगा 4 टाइम्स और नेटवर्क 80 करोड़ और $1 बिलियन, तो 80 करोड़ आएगा। इन्वेस्टमेंट सिर्फ जेएलआर का है 70 करोड़ का, बाकी कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अब सिंपल सी बात है, टाटा का 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जेएलआर के 70 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऑब्वियसली ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये जाएगा टोटल 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, रूट होगा ऑटोमेटिक, सिंपल। ये 1-on-1 ही चल रहा है। अब आएगा दूसरा एग्जाम्पल, 110 करोड़ टाटा ने डाला, रिलायंस ने 14 करोड़ डाला, टोटल 24 करोड़, बाकी दोनों ने, विप्रो और इन्फोसिस ने कुछ नहीं डाला। दूसरे एग्जाम्पल में नेटवर्थ दोनों का 24 करोड़, नेटवर्क दोनों का डाला नहीं, ये 24 करोड़, 24 करोड़ का 4 टाइम्स 96 करोड़, 96 करोड़ $1 बिलियन, तो 96 करोड़। पहला इन्वेस्टमेंट जेएलआर में किया 50 करोड़ का, दूसरा इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ का किया रिलायंस में, दूसरा इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ का गाय में किया रिलायंस। अभी ग्रुप है, ऐसा नहीं है कि टाटा ने इधर किया और रिलायंस ने रिलायंस में किया, हाँ ये ग्रुप करके किया है, ये ग्रुप करके किया है। तो अब 96 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, टोटल 90 करोड़, ठीक है? 90 करोड़, 6 करोड़ 90 करोड़ से ज्यादा है, ऑटोमेटिक रूट। अब 10 करोड़, 14 करोड़ डैश डैश 24 करोड़ नेटवर्थ का, 4 टाइम 96 करोड़, 24 करोड़ दो कंपनीज
नेटवर्थ ले रहे हैं बिकॉज दोनों इन्वेस्ट कर रही है, तो 96 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, $1 बिलियन 96 करोड़। जेएलआर का इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ का और रिलायंस का 55 करोड़ का, 50 करोड़ का और रिलायंस का 55 करोड़ का, और ये 105 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दोनों ने मिलकर किया है, दोनों ने, ठीक है, कोई भी पोर्शन उससे हमको कोई लेन देन नहीं, दोनों ने मिलकर किया है अगर, तो टोटल जा रहा है 105 करोड़। तो अब ये दोनों का इन्वेस्टमेंट इन दोनों कंपनीज में रेस्ट्रिक्टेड है अप टू 96 करोड़, और इसके लिए अप्रूवल रूट लगेगा आरबीआई का, अप्रूवल रूट के लिए। कंसेप्ट समझ में आया? अगला एग्जाम्पल, 10 करोड़ टाटा का नेटवर्थ, रिलायंस का 14 करोड़ टोटल। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नेटवर्थ है, मैं पहले ही बोलूं ये नेटवर्थ कैलकुलेट कर रहे, इन्वेस्टमेंट तो अलग से आएगा, ये इन्वेस्टमेंट की लिमिट है जो 96 करोड़, ये इन्वेस्टमेंट की लिमिट है। सो 10 करोड़, 14 करोड़ टोटल हो गया 24 करोड़, 96 करोड़। यहां पे 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो जेएलआर में, बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, मतलब दो कंपनीज मिलके एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो दो कंपनीज कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 96 करोड़। जेएलआर में सिर्फ 90 करोड़ चाहिए, तो 90 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट है, ऑटोमेटिक रूट में जाएगा, बिकॉज 96 करोड़ इज मोर देन 90 करोड़, तो ऑटोमेटिक रूट, क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, 10 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़, इन्फोसिस भी जंप किया आप इस एग्जाम्पल में। सो 10 + 14 + 16 टोटल कितना हो रहा है? तो देखिए 30 करोड़, बराबर है 30 करोड़ का 4 times 120 और $1 बिलियन विच एवर इज लोअर, तो आ गया 100 करोड़, मतलब $1 बिलियन, क्लियर है। जेएलआर के अंदर 90 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, ओडी दूसरा ओडी है रिलायंस में 30 करोड़ का चाहिए, टोटल 120 करोड़ हो रहा है, टोटल कितना करोड़ हो रहा है 120, मतलब तीन कंपनीज मिलकर दो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, तीन कंपनीज मिलकर दो में इन्वेस्ट कर रही है, कितने लिमिट में इन्वेस्ट करना है $1 बिलियन, पर यहां 120 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन सा रूट बताइए, कौन सा रूट? अप्रूवल रूट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। नेक्स्ट वाला 10 करोड़, रिलायंस का 14 करोड़, यहां 16 करोड़, टोटल प्लस 20 करोड़, विप्रो भी जंप कर लिया, मतलब 50 करोड़ का 4 times 200 करोड़, पर लिमिट देखिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आई है, पर ऑटोमेटिक रूट में सिर्फ $1 बिलियन ही कर सकते हैं, सभी मिला के इंडिया के तमाम अमीर कंपनीज आ जाए, पर मैक्सिमम $1 बिलियन ऑटोमेटिक, इससे ज्यादा चाहिए अप्रूवल रूट में जाना पड़ेगा बेटा। और यहां पे इन्वेस्टमेंट 20 करोड़, 30 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 20 और 30, 50, 60 और 20, 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, बच गए 100 करोड़ में, 80 करोड़ तो आ जाता है ऑटोमेटिक रूट। नेक्स्ट एग्जांपल, 10 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़, 20 करोड़, टोटल 50 का 4 times 200, 200 करोड़ और $1 बिलियन विच इज लोअर 100 करोड़, यहां पे 20 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़, 25 करोड़, टोटल इन्वेस्टमेंट 105 करोड़ का हो गया, टोटल 105, चार कंपनीज फंड इकट्ठा करके चार डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट 105 करोड़, मोर देन 100 करोड़, अप्रूवल रूट में जाना पड़ेगा। लास्ट 10 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़, 20 करोड़, टोटल 50 करोड़, 200 करोड़ और $1 बिलियन विच एवर इज $1 बिलियन, ये 4 times है ना, हाँ है ना, यहां पे 100 करोड़ का स्ट्रेट इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं जेएलआर में, दूसरा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारा, तो ऑटोमेटिक रूट, यहां पे 100 करोड़ लिखना है हमको, होल्ड, यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 100 करोड़ का है, तो हम कौन से रूट में जा रहे हैं? ऑटोमेटिक रूट। कैसा लगा ये बताना? तो भैया ये ऑल इन ऑल इन्वेस्टमेंट की लिमिट है, सभी दिग्गज भी जमा हो गए तो ऑटोमेटिक रूट में $1 बिलियन इज अ मैक्सिमम लिमिट, ये मेरे को समझाना था, ठीक है। चार्ट कैसा लगा जरूर बताइएगा, आप ही के लिए सब मेहनत चल रही है, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे को बहुत खुशी होगी, ठीक है। चाहिए तो फोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। माय मिस्टेक, यहां पे एक छोटा सा करेक्शन आएगा, मैं बोला ना करेक्शन आते रहते। ओके, यहां पे एक करेक्शन आएगा, फोर्थ फिफ्थ एग्जांपल में यहां पे 40 करोड़ आएगा, तो यहां 160 करोड़ आएगा, मैं इन करेक्शंस को कर दूं होल्ड, 160 करोड़ आएगा, बट आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, 30 40, यहां 60 करोड़ आएगा, 60 करोड़ का 4 times 240 करोड़, यहां पे भी 60 करोड़, 240 करोड़, में बोला ना रिस्की है, एरर करने में रिस्की है, ठीक है, बट आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर जैसे का वैसा रहेगा, बिकॉज सबकी लिमिट $1 बिलियन ही है, ठीक है। सो आंसर सेम रहेगा। चार्ट कैसा लगा जरूर बताना, गो फॉर इट फास्ट, और अच्छा लगा लाइक ठोक दीजिएगा।
सब परफॉर्मेंस श्रावण, सब परफॉर्मेंस गारंटी वगैरह लेके ही यहां पे दिया है अपन ने, हमने ऑलरेडी गारंटी इसको कवर अप किया है। ठीक है, फोटो खींच लीजिएगा सब जन। श्रवण बेटा, परफॉर्मेंस गारंटी का कैलकुलेशन ऑलरेडी दे दिया ना मैंने, परफॉर्मेंस गारंटी ऑलरेडी लेके हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अभी यहाँ परफॉर्मेंस गारंटी का एक्सप्लेनेशन लास्ट चार्ट में आ गया, इस चार्ट में नहीं आएगा। ऑब्वियसली पीजी मिला के ही कंटेंट है पूरा। सवाल है वन टाइम अप्रूवल लेंगे या हर इन्वेस्टमेंट करते वक्त अप्रूवल लेंगे? तो बेटा अप्रूवल रूट में वन टाइम ही अप्रूवल रहता है, हर इन्वेस्टमेंट करते वक्त नहीं, और ऑटोमेटिक रूट में तो हम अप्रूवल लेते ही नहीं है। ठीक है, सो इसका फोटो खींच के रखिए, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। डन एवरीबडी, लिख लिया सबने? चलो डन। सो मुझे ऐसा लगता है अभी कि आपने 10 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, फिर उसके बाद में हम कंटेंट का रीडिंग वगैरह करेंगे। तब तक कि आप थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह सुनिए, क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं नियरली कि हम पढ़ रहे हैं तब से। सो 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद में ओडीआई कंप्लीट करेंगे। गो फॉर इट फास्ट एवरीबडी।
डन एवरीबॉडी, आर यू रेडी? आ जाइए सब जन। ओके सो आर यू रेडी, प्लीज कम एवरीबॉडी। चलो डन, एवरीवन इज बैक। मैं शुरू करूं? यस और नो? ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो कंटेंट हमारा बाकी है वो टेंटेटिवली मेरे को सिर्फ आई गेस रीडिंग का ही बाकी है, सो आई विल जस्ट चेक इट आउट वंस। ओके तो अब जो हमारा कंटेंट बाकी है वो सिर्फ रीडिंग का बाकी है, सो आ जाइए नोट्स में फटाफट फटाफट इसको रीड कर लेते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है? सो हमने ओडीआई से शुरू किया था, ऊपर का एरिया हमारा हो चुका है। ओके अब फाइनेंशियल कमिटमेंट में ऑलरेडी बोला है कि कितना आप कर सकते हो, तो फाइनेंशियल कमिटमेंट $1 बिलियन अंडर ऑटोमेटिक रूट और 400% ऑफ नेटवर्थ, दैट इज पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ये हमने ऑलरेडी देखा है, मार्क कर लीजिए या फिर इसका फोटो खींच के रखिए फटाफट। इस नोट को हमने स्टार मार्क किया है, ठीक है? यहां एक छोटा सा नोट डाल के रखिए, मैं लिखता हूं आप भी लिखना साथ में। इफ इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस लोन प्लस गारंटी प्लस बैंक गारंटी प्लस 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इज लोअर देन लिमिट एंड एग्जीक्यूशन, लिख के रखिएगा सब, ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी इफ गोज बियॉन्ड लिमिट, इफ गोज बियॉन्ड लिमिट देन टेक आरबीआई अप्रूवल फॉर ओनली परफॉर्मेंस गारंटी एग्जीक्यूशन, फुल स्टॉप। किसी चीज को आपने याद रखना है, ठीक है? लिख लीजिए फटाफट नोट को, गो फॉर इट फास्ट। चलो डन, डन एवरीबॉडी। ये चीज होने के बाद, ठीक है, नेक्स्ट वाला सिचुएशन, रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट, द क्राइटेरिया फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अंडर ऑटोमेटिक रूट इज एज अंडर, ठीक है? ऑटोमेटिक रूट में कैसा है, इंडियन पार्टी में इन्वेस्ट अप टू अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ इट्स नेटवर्थ इन ज्वाइंट वेंचर वोली ओन सब्सिडरी फॉर अ बोनाफाइड एक्टिविटी परमिटेड एज पर द लॉ ऑफ द होस्ट कंट्री, होस्ट कंट्री के लॉ के हिसाब से आप कर सकते हो। अब कुछ कंट्रीज ऐसी है दुनिया में जहां पे ड्रग्स सेल करना भी अलाउड है, तो अगर आप एम्स्टरडम वगैरह में इसको इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे ड्रग्स सेल करना अलाउड है, तो ऑटोमेटिक रूट में आप वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, सस्ते नशे। द प्रिस्क्राइब लिमिट विज़ नेटवर्थ विल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर इन्वेस्टमेंट इज मेड आउट ऑफ बैलेंस हेल्ड इन ईएफसी अकाउंट ऑफ द इंडियन पार्टी और आउट ऑफ द फंड्स रेज थ्रू एडीआर जीडीआर। मैंने ऑलरेडी बोला था एडीआर जीडीआर या ईएफसी अकाउंट से अगर आप करते हो तो ऐसे सिचुएशन में ऑटोमेटिक रूट के लिए भी कोई अप्रूवल नहीं लगता। इंडियन पार्टी इज नॉट रिजर्व बैंक्स एक्सपोर्ट कॉशन लिस्ट, ये खास है, इसको सार मार्क करना, प्रिकॉशन है। ये एक्सपोर्टर्स कॉशन लिस्ट के अंदर नहीं है, ये लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स में नहीं है, पब्लिश और सर्कुलेटेड, तो ही जाके आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बाय सिबिल आरबीआई और एनी अदर क्रेडिट रिसर्च इंफॉर्मेशन एजेंसी। मतलब किसी ने भी आपको बैन नहीं करना चाहिए, आपको पब्लिश नहीं करना चाहिए कि आपका क्रेडिट रिकॉर्ड खराब है। द इंडियन पार्टी रूट All the transaction relating to investment in joint venture wholly owned subsidiary through only one branch of an authorized dealer, only through one branch of authorized dealer to be designated as by Indian party. मतलब मैंने जो बोला था चार companies मिलकर एक साथ investment कर रहा है एक authorized dealer के through, तो उसे one investment माना जाएगा और हमने उसके लिए भी table देखा था। Process,
इंडियन पार्टी शुड अप्रोच ऑथोराइज डीलर विथ एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा ओडीआई एंड प्रिस्क्राइब एनक्लोजर डॉक्यूमेंट इफेक्टिंग रेमिटेंस टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट इन जॉइंट वेंचर वोली ओन सब्सिडरी अब्रॉड बाय इंडियन पार्टीज थ्रू मीडियम ऑफ अ स्पेशल पर्पज व्हीकल आर ऑल्सो परमिटेड. अगर एसपीवी के थ्रू भी आप इन्वेस्ट करते हो, मैंने एसपीवी का कंसेप्ट सर्फेस ही हमें बड़े अच्छे से डिस्कस किया था अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूट का इंडियन पार्टी में उसको लिया जा सकता है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंकिंग सिस्टम से सर्कुलेट होना चाहिए. क्लियर है आंसर? तो अभी सिर्फ रिमेनिंग रीडिंग वाला पार्ट बचा है, फटाफट मार्किंग कर लो. कर लिया सबने? सबसे आखिरी प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई. अब अप्रूवल रूट में हम अप्रूवल रूट, तो ऑब्वियसली प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लगेगा. सर अप्रूवल रूट में क्या लिमिट होता है? सर बड़ा अप्रूवल रूट में भी लिमिट होगा तो ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट में डिफरेंस क्या होगा? अप्रूवल रूट इज टेलर मेड, जितना आपको लिमिट चाहिए उसके लिए स्पेसिफिक अप्रूवल मिलेगा. रिजर्व बैंक वुड इंटर रिलिया टेक इनटू अकाउंट फॉलोइंग फैक्टर्स व्हाइल कंसीडरिंग एप्लीकेशन. वायबिलिटी ऑफ जॉइंट वेंचर वोली ओन सब्सिडरी, कि भाई कितना जीने वाला है, ऐसा नहीं आप पैसा डाल दो और डूब जाए. उसके बाद में कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सटर्नल ट्रेड और बेनिफिट्स, कितना कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, कितना इंडिया में डॉलर आने के चांसेस है. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस और ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इंडियन पार्टी. टाटा रिलायंस जैसी कंपनी है तो आरबीआई फटाफट अप्रूवल देगा, बाकी लोगों को तो नहीं देगा क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है. एंटरप्राइज एंड एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडियन पार्टी इन द सेम और रिलेटेड लाइंस ऑफ द एक्टिविटी. ये जनरलाइज है, तो ऑब्वियसली अप्रूवल रूट के अंदर पहले ये चीजें देखी जाएगी और फिर ही आपको अप्रूवल दिया जाएगा. ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है. देयरफॉर अंडर अप्रूवल रूट प्रपोजल नॉट कवर्ड बाय कंडीशंस अंडर ऑटोमेटिक रूट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई वुड बी रिक्वायर्ड फॉर विच स्पेसिफिक एप्लीकेशन इन फॉर्म ओडीआई विद डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब देयर इन इज रिक्वायर्ड बी मेड थ्रू ऑथोराइज डीलर कैटेगरी वन. क्लियर है? सेमी फॉर्म भरना है, सेमी सिचुएशन में जाना है, सिर्फ चार चीजें टेस्ट की जाएगी और आपको अप्रूवल दिया जाएगा. अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब आ रही है, तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एनी अदर कंडीशन, ये अप्रूवल रूट के अंदर आर प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ये सब चीजें प्रिस्क्राइब की जाएगी. नेक्स्ट वाली चीज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स विद इफेक्ट फ्रॉम ऑगस्ट 5, 2013 रेसिडेंट इंडिविजुअल सिंगल एसोसिएशन रेसिडेंट इंडिविजुअल इंडियन पार्टी और विथ इंडियन पार्टी डिफाइंड अंडर नोटिफिकेशन सेटिस्फाइंग अ क्राइटेरिया ऑफ शेड्यूल 5 ऑफ द नोटिफिकेशन मे मेक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स और कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ जॉइंट वेंचर और वोली ओन सब्सिडरी. The limit of overseas direct investment by resident individual shall be within overall limit prescribed by Reserve Bank of India under liberalized remittance scheme. ये हमने already देख लिया है सबसे start में कि resident individual 2.5 लाख डॉलर तक के investment कर सकता है, provided 2.5 लाख डॉलर में current account, capital account सब included है. Concept समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. ये उनका नीचे लास्ट पैराग्राफ है. इंडियन पार्टीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरिन एंटिटी एंगेज्ड इन रियल एस्टेट buying or selling of real estate, trading in transferable development rights, but does not include development of townships, construction of residential commercial premises, banking business without prior approval of RBI. Indian parties bahar real estate mein investment nahi kar sakti. Ye same PRY ko India mein restricted hai, waisa hi Indian party ko bahar real estate restricted hai, saath saath mein banking business bhi restricted hai. To do business yahan pe bole gaye hai, pehla hai real estate, likh ke rakhiye side mein real estate, unko hamare yahan ke real estate mein invest karna allowed nahi hai aur humko wahan ke real estate mein invest karna allowed nahi hai, other than Does not include development of township, constructions of residential, commercial premises, roads, bridges. इसमें invest करना allowed है. हालांकि PRY को भी इंडिया में allowed है. Prohibited capital account transaction याद होगा तो. Next, overseas entity having directly or indirectly participation in Indian party shall not offer a financial product linked to Indian rupee. For example, non-deliverable trade. Involving foreign currency, rupee exchange rate, stock indices linked in Indian market without a specific approval of RBI. मतलब कोई भी derivative transactions में बाहर की पार्टी नहीं ट्रेड कर सकती, ये चीज को याद रखना. General permission has been granted to person resident in India, सिर्फ PRI India के लिए, for purchase or acquisition of the securities in the following manner. RFC account से कर सकते हो, bonus shares आप हमेशा ले सकते हो. When permanently residing in India, out of the foreign currency resources outside India. Clear है? तो यहां individual के लिए मैं एक diagram बना के रख दूं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना.
इंडिविजुअल ये आपके काम में आएगा, वॉन्ट टू मेक अ ओडीआई, वॉन्ट टू मेक अ ओडीआई, तो इसके लिए एलआरएस का लिमिट है $2.5 लाख। और तीन तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, थ्री डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो यहां पे बोला गया है आरएफसी अकाउंट से करें, रेसिडेंशियल फॉरेन करेंसी अकाउंट, हालांकि ईएफसी अकाउंट इंडिविजुअल नॉर्मली मेंटेन नहीं कर सकता क्योंकि इंडिविजुअल का अकाउंट करंट अकाउंट नॉर्मली नहीं, वो बिजनेस अकाउंट होता है ईएफसी। बोनस शेयर्स के थ्रू, बिकॉज बोनस शेयर्स तो फ्री में मिलता है, या फॉरेन करेंसी का कोई भी रिसोर्स, इंडिया में आप फॉरेन करेंसी कोई भी रिसोर्स आ रहा है उससे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो $2.5 लाख का तो आपको मिल ही रहा है, तो मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, जरा ध्यान देना, इसको थोड़ा अलग लेवल पर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इंडिविजुअल ओडीआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सबसे पहला वन वे, ठीक है, वे वन, एक तरीका है एलआरएस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम $2.5 लाख, ठीक है। एंड वे टू, ठीक है, इसके अंदर दो वे है, वे टू में तीन वे है एक्चुअली। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट बोला है आरएफसी अकाउंट से, दूसरा अगर आपको बोनस शेयर्स मिल रहे हैं, और तीसरा अगर फॉरेन करेंसी का कोई फॉरेन सोर्स है तो सोर्स से इन्वेस्टमेंट किया, तो ये इस तरीके से इंडिविजुअल ओडीआई में इन्वेस्ट कर सकता है। लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। ये लिमिट सब ईच ईयर की है बेटा, टैक्स हेवन नेशंस पनामा वगैरह के अंदर डिपेंड हो सकता है कि ओडीआई प्रेफरेबल है क्या, उनके हर कंट्री का बेटा देखना पड़ेगा गौरव कि किस तरीके से ट्रीटी किया गया है। चलो हो गया गौरव, ट्रीटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसे अपन कंफर्म नहीं बोल सकते। चलो लिख लिया बच्चों सबने। अब एक लास्ट चीज बाकी है, और यह देख के भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सर ने क्या खतरनाक चीज दी, यह देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छी चीज अभी मैं आपको दे रहा हूं, वो सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त है, ठीक है, ध्यान देना। मैं यहां लिखता हूं कि ओडीआई करने के ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, इसको करने के टाइप्स ऑफ रूट्स, ये देख के ना आपको खुशी हो जाएगी पक्का। सो चार्ट अभी अभी आया है, ये देख के आपको मस्त लगेगा, सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। ओडीआई करने के टाइप्स ऑफ रूट्स, इसको मैं डिवाइड करता हूं तीन रूट्स में, ये मतलब मैं ओडीआई का सार बोल सकता हूं, ठीक है, ओडीआई का सार। सबसे पहला रूट है इन्फिनिटी रूट, दूसरा रूट है ऑटोमेटिक रूट, जिसको हम लिमिट रूट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर लिमिट दी जाती है, ऑटोमेटिक और लिमिट रूट। और तीसरा रूट है अप्रूवल रूट। ठीक है सर, ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप बार बार क्यों पढ़ा रहे हो? ये आपने पढ़ा है पर आपने ऐसे नहीं पढ़ा है, सिर्फ ध्यान दीजिए आप, मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले अच्छा सा लाइन वाइन मार लू, लाइन हमेशा सीधी मारनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं इंडियन पार्टी, और इंडियन पार्टी में कितने लोग आते हैं? चार, कंपनी, बॉडी अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फर्म एंड एलएलपी, राइट। इंडियन पार्टी इंफिनिटी रूट से कैसे ओडीआई कर सकती है? इंफिनिटी रूट से इंडियन पार्टी कैसे ओडीआई कर सकती है? बाय
ईईएफसी अकाउंट, ये पहला तरीका है, या दूसरा बाय इशूइंग एडीआर और जीडीआर आउटसाइड। तो इन्फिनिटी रूट है, जितना रेज करोगे उतना इन्वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑटोमेटिक रूट में कितना है, तो ऑटोमेटिक रूट में लिमिट है लोअर ऑफ 400% ऑफ नेटवर्थ और 1 बिलियन डॉलर्स। ये ऑटोमेटिक रूट का अप्रूवल है, क्लियर है। और अप्रूवल रूट में एनी अमाउंट एज पर आरबीआई, ये अप्रूवल रूट में हम आ गए, ठीक है। सर इसमें क्या खास बात है, ये तो हमको ऑलरेडी पता है, खास बात अब शुरू होगी। इसी चार्ट में अगर आपने नहीं सोचा तो मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता हूं, इसी चार्ट में हम इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल रेसिडेंट। इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए भी इन्फिनिटी रूट है, अभी हमने देखा। इंडिविजुअल रेसिडेंट इन्फिनिटी रूट में कब इन्वेस्ट कर सकता है, तीन तरीके, एक तो आरएफसी अकाउंट से, दूसरा बोनस शेयर से। बोनस शेयर्स भी इनफाइनाइट फॉर्म में ले सकते हैं और बोनस शेयर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और तीसरा, अगर कोई फॉरेन करेंसी का फॉरेन सोर्स इनकम है, फॉरेन सोर्स इनकम है, तो इंडिविजुअल को भी इन्फिनिटी रूट है। इंडिविजुअल के लिए ऑटोमेटिक रूट क्या है, इंडिविजुअल के लिए भी ऑटोमेटिक रूट है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ऑलरेडी 2.5 लाख डॉलर तक ऑटोमेटिकली अलाउड है ना, तो अलाउड 2.5 लाख डॉलर, ये तो इंडिविजुअल का ऑटोमेटिक रूट ही है ना, 2.5 लाख डॉलर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ये 2.5 लाख डॉलर लेकिन क्या है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन प्लस करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मिला के, दोनों मिला के 2.5 लाख डॉलर है, तो उसमें ऑटोमेटिक रूट में अप्रूव है। और इंडिविजुअल के लिए अप्रूवल रूट एनी अमाउंट एज पर आरबीआई, ये आपको कोई नहीं बोलेगा। ये मैंने इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल पर्सन का मिला के आपको टाइप्स ऑफ ओडीआई दे दिया इन शॉर्ट समरी में। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, हाँ है ना। चार्ट पसंद आएगा जरूर मुझे बताना, लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट, किसी को नहीं पता कि ऐसा भी होगा। सृष्टि 1 बिलियन डॉलर को एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्ट कर लो उस दिन के हिसाब से बेटा, सिंपल है ना। 1 बिलियन डॉलर मतलब सिर्फ डॉलर में करना है, ये इनको कन्वर्ट कर लो एक्सचेंज रेट के हिसाब से। फेमा के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था ना रेगुलर बैच में, कि कोई भी बोला थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाबा उज्जवल नालायक, बाजू वाले के भी दाद देता हूँ सर, ये लो। थैंक यू सो मच सौरभ, दीक्षा, तुषार, राहुल, अंकित, उज्ज्वल, पार्थ, देवेश, दिव्या, कंपनी की लिमिट वी विल सी एज ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन फाइनेंशियल फिगर्स देवेश हमको लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लेने हैं। चलो डन हो गया है, आई गेस सबका, और ये सबका लिखना हो गया है, नहीं लिखना होगा फोटो खींच लीजिए, ठीक है। यहां मैं कह सकता हूं कि ओडीआई हमारा ऐसा प्रिपेयर हुआ है जैसा इंडिया में किसी का प्रिपेयर नहीं हुआ है, ठीक है, बिल्कुल प्रिपेयर नहीं। आप अगर किसी को भी ये चार्ट जाके दिखाओगे अगर, वो ब्लंडर हो जाएंगे, सब ब्लंडर हो जाएंगे, क्योंकि इतना
तगड़ा रिसर्च ओडीआई और इंपोर्ट में किसी ने नहीं किया होगा। इंपोर्ट भी मैं बोल रहा हूँ, ईसी भी मैं बोल रहा हूँ, इतना तगड़ा रिसर्च नहीं किया मैंने। काफी रिसर्च किया क्योंकि बीच में जो समय मिला था मैं बोला दूंगा तो बेस्ट दूंगा, मैंने मेरे तरफ से पूरा ट्राई किया। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए और बहुत सारे बच्चों को बताइए। यहाँ ओडीआई का लेक्चर खत्म होता है, रेगुलर बैच वाले रुकना, हमारा मेडिटेशन और डेली वर्क बाकी है तो हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ ओडीआई का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मेरे तरफ से अब जितने कमिटमेंट्स थे वो सब खत्म हुए, वन डे रिविजन, ऑडियो रिविजन बाकी है वो आते रहेगा, वन डे रिविजन, अमेंडमेंट्स, मॉड्यूल अपडेशन, नियरली मेरे तरफ से कमिटमेंट खत्म हुए। मॉड्यूल अपडेशन के और कौन से टॉपिक आपको लगते हैं नोट्स देख के मुझे बोलना, कि आईबीसी लगता है, सरफेस या लगता है, वो भी बोलना, मैं उसके लिए सेपरेट लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। रही 6D इकोनॉमिक लॉ सब्जेक्ट की बात, तो मैं बोल दूं इंस्टीट्यूट ने खुद केस लॉस के लिए डिसीजन नहीं दिए हैं, तो मैं उसके अंदर पढ़ाऊं क्या ये समझ में नहीं आ रहा, मैं मेल कर करके थक गया। अगर इंस्टीट्यूट उसके ऊपर डिसीजन रिलीज करेगी वो केसेस के, तो मैं उसको पढ़ा सकूंगा, ठीक है, ये चीज को याद रखना। थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया नीचे प्लीज कमेंट कीजिएगा, रेंडर होने के बाद में बच्चों से शेयर कीजिएगा। गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू सो मच।